हम लोगों ने पहले सत्र में विश्व व्यापार संगठन समझौता और कृषि विषय पर होने वाले दुष्प्रभाव, खासकर किसानों के ऊपर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में थोड़ी बात किया। अभी विश्व व्यापार संगठन समझौते में, जैसा मैंने आपसे कहा, लगभग 2000 शर्तें हैं। 2000 में से कुछ कृषि विषय की शर्तों पर सभी ने बात हुई। उसी विश्व व्यापार संगठन समझौते में एक शर्त है जिसके आधार पर हमारे देश की सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर, देश में लागू करने का फैसला किया। फिलहाल हमारे देश में 18 राज्यों ने मूल्य वर्धित कर लागू किया है 1 अप्रैल 2005 से। बाकी 12 राज्यों ने मना कर दिया कि हम लागू नहीं करेंगे। हमारे देश में वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में WTO का जो समझौता है उसकी शर्त क्या है जिस पर सरकार जोर दे रही है? विश्व व्यापार संगठन समझौते में एक शर्त है कि टैक्स का ढांचा ऐसा होना चाहिए जो दूसरे देशों में किया हुआ है या बनाया हुआ। अब दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहिए, WTO को जो साइन करने वाले देश हैं उनमें से अधिकांश देशों में वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सभी देशों में नहीं है। WTO एग्रीमेंट जिन्होंने साइन किया है उसमें से एक देश है अमेरिका, वहां पर वैट नहीं है। इसी तरह से WTO जिन्होंने साइन किया है उसमें से एक देश है ईरान, वहां वैट नहीं है। ईरान में वैट नहीं है। ऐसे लैटिन अमेरिका के कई सारे देश हैं, वहां भी वैट नहीं है। लेकिन यूरोप के कई देशों में वैट है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ऐसे कई देशों में वैट है। तो हमारे देश में पहली बात जो वैट लाने के लिए सरकार के द्वारा कही गई है वो ये है कि चूंकि विश्व व्यापार संगठन समझौते की शर्त है इसलिए हमको वैट लाना है। शर्त क्या है? कि जैसा दूसरे देशों में है, अधिकांश देशों में है, वैसा ही टैक्स की व्यवस्था आपको करनी है। तो अधिकांश देशों में वैट है तो भारत में भी वैट लाना है, ये एक शर्त है। अब हमारे देश की सरकार वैट के बारे में इतना तो कहती है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते की शर्त के अनुरूप हम वैट ला रहे हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन समझौते में ये नहीं है कहीं पर कि वैट लाना तो कैसे लाना, किन आधारों पर लाना, उसका टैक्स रेट कितना रखना, उसके कितने स्लैब बनाना, उसमें कितने क्लासिफिकेशन करना, उसमें पेनल्टी क्या होना, उसमें पनिशमेंट क्या होगा, उसमें प्रमोशन के लिए क्या होगा, ये सब कुछ नहीं है WTO की कंडीशन। बस एक ही बात उसमें लिखी हुई है कि जैसा दूसरे देशों में है वैसा ही वैट भारत में आप लाइए। अब सरकार क्या कर रही है? आधा सच बोल रही है और आधा छुपा रही है। जैसा दूसरे देशों में है वैसा वैट लाइए, ऐसा उसमें है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार वैट तो ला रही है लेकिन दूसरे देशों जैसा नहीं ला रही। दूसरे देशों में जो वैट है उनकी कंडीशंस अलग हैं बिल्कुल भारत की तुलना में। 123 देशों में जहां जहां वैट है वहां सभी जगहों पर सरकारों ने सारे तरह के दूसरे टैक्स खत्म करके वैट लाया है। भारत देश की सरकार दूसरे सभी टैक्सों के साथ वैट ला रही है। सबसे बड़ा अंतर यह है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क, नॉर्वे, लैटिन अमेरिका के देश हैं, कुछ अफ्रीका के देश हैं, सब जगह जहां जहां वैट है वहां कोई भी देश में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं है, केंद्रीय उत्पाद कर नहीं है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं है, राज्य उत्पाद कर नहीं है, सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं है, CST नहीं है, SST नहीं है, राज्य बिक्री कर नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स नहीं है, रोड टैक्स नहीं है, टोल टैक्स नहीं है, एग्जिट टैक्स नहीं है, एंट्री टैक्स नहीं है। ये सारे के सारे टैक्स सब खत्म कर दिए हैं फिर उन्होंने वैट को लागू किया है। हमारे भारत देश की सरकार ये सारे टैक्सों के साथ वैट को लागू कर रही है। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि आप जब सारे टैक्स खत्म कर दें उसके बाद एक टैक्स लाएं तो बहुत लाभ होता है,
सरकार को भी लाभ होता है, जनता को भी लाभ होता है। जनता को लाभ क्या होता है, चीजें सस्ती हो जाती है। जब टैक्स कम लगेंगे, एक ही टैक्स लगेगा, आप कल्पना करो कि एक किसी वस्तु पे 14-15 टैक्स है, फिर वो सब हटाकर एक ही टैक्स आ जाए तो वस्तु सस्ती होने वाली है। और वस्तुओं के सस्ते होने से बिक्री ज्यादा होती है, बिक्री ज्यादा होती है तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिलता है, टैक्स ज्यादा मिलता है तो खजाने में पैसा ज्यादा आता है। तो जब बहुत सारे टैक्स खत्म करके एक टैक्स लाया जाता है तो सरकार को बहुत लाभ होता है और जनता को भी लाभ होता है, जो व्यापार करने वाला वर्ग है उसको भी लाभ होता है, सबको लाभ होता है। तो जिन 123 देशों ने वैट लाया है भारत से पहले, उन सभी ने अपने सभी तरह के दूसरे टैक्स खत्म करके वैट लाया है। दो तरह के टैक्स दुनिया में होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का माने जो सीधे आपसे ले लिया जाए, ऐसा टैक्स डायरेक्ट टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में दो ही कर आते हैं, दो ही टैक्स आते हैं, एक तो इनकम टैक्स होता है, आयकर होता है, दूसरा होता है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी इनकम टैक्स ही है लेकिन वो कंपनियों के ऊपर लगता है, और इनकम टैक्स जो है व्यक्तिगत लोगों पर लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स दुनिया में दो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस ढेर सारे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, माने केंद्रीय उत्पाद कर, वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे CST केंद्रीय बिक्री कर, जैसे SST राज्य बिक्री कर, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दुनिया के जब भी देशों ने जहां भी वैट लाया है और वैट बहुत सफल है और वहां की जनता बहुत प्रसन्न है वैट से, सरकार बहुत प्रसन्न है, वो देश है जिन्होंने बाकी सब टैक्स हटा के एक टैक्स लाया वैट। हमारे देश की सरकार क्या करने जा रही है कि सारे के सारे टैक्सों को रखने के बाद वैट ला रही है। इसका माने कोई टैक्स कम नहीं हो रहा है बल्कि एक नया टैक्स बढ़ने जा रहा है। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम सीधा सीधा ये है कि वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी। हमारे भारत देश में जिन राज्यों में 1 अप्रैल 2005 से वैट आया है उनकी संख्या 18 है। उन राज्यों में पिछले 4-5 दिनों में वस्तुओं के दाम 15-20% बढ़ गए हैं। जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, सबके दाम बढ़े हैं 15-20%। और ये तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार तो ऐसी चीजें हैं जो एक खास वर्ग के लिए है। साधारण वर्ग के लिए काम आने वाला गेहूं का आटा, उसका भाव बढ़ गया। चने का आटा माने बेसन का भाव बढ़ गया है, मिर्ची का भाव बढ़ गया, धनिए का बढ़ गया, जीरे का बढ़ गया, पुदीने का बढ़ गया। रोज घर में काम आने वाली मसाले हैं उनका भाव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले तो टैक्स थे ही, उसके साथ एक और आ गया वैट, तो इसलिए यहां महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों को तकलीफ होगी। वैसे ही इस देश में बहुत ज्यादा टैक्स हैं, वैट आने के बाद तकलीफ और बढ़ने वाली है। क्यों? हमारे भारत में क्या होता है और दुनिया के दूसरे देशों में क्या होता है? दूसरे देशों में जहां भी वैट है वहां पर वैट जो है ना सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट का माने एक बार लेने वाला, एक बार दिया जाने वाला। भारत में जो वैट आया है वो बहुत सारे बिंदुओं पर आ रहा है, मल्टीपल पॉइंट। हमारे यहां वैट कैसा है? वैट का मतलब है वो कोई वस्तु को जितनी बार आप बेचो उतनी बार उस पर टैक्स, कोई वस्तु को आप जितनी बार बेचो उतनी बार टैक्स। जैसे मैंने इनसे कोई चीज 100 रुपए में खरीदी तो इन्होंने मुझे बेची तो ये उस पर टैक्स भरेंगे वैट। अब वो वस्तु को मैं इनको 150 रुपए में बेचू तो मैं भरूंगा फिर वैट, ये 150 रुपए से 200 में उनको बेचे ये फिर भरेंगे उस पर टैक्स, वो किसी को और 300 रुपए में बेचे फिर भरेंगे। तो जितनी बार वो व्यक्ति रहेगी उतनी बार उस पर टैक्स लगता रहेगा। भारत में इस तरह का वैट आ रहा है। दूसरे देशों में क्या है? जब इन्होंने मुझे वो वस्तु बेची, एक बार इन्होंने टैक्स दे दिया तो आगे वो कितनी भी बार बिके उस पर कोई वैट नहीं। तो जिन देशों में सिंगल पॉइंट वैट है वहां बहुत मजा है, एक ही बार देना है टैक्स, तो व्यापारी भी खुश है,
ग्राहक भी खुश है, उत्पादन करने वाला भी खुश है। और भारत में जो आ रहा है वो मल्टीपल पॉइंट पे आ रहा है, जितनी बार बेचते जाओ उतनी बार टैक्स देते जाओ। तीसरा, जिन देशों में वैट है उन देशों की सरकारों ने एक नियम बना रखा है और वो बहुत अद्भुत नियम है। भारत में ऐसे नियम की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या सपने में सोच सकते हैं। सभी देशों में जहां वैट है वहां नियम ये है कि व्यापारी जब वैट भरता है तो उसका पूरा खाता सरकार के पास और व्यापारी के पास रहता है। आपने इस साल मान लीजिए $10,000 टैक्स दिया, पिछले साल आपने $20,000 दिया, उसके पहले $50,000 दिया, आपका टैक्स पूरा जमा होता चला जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता रहेगा हर साल। तो सर्टिफिकेट में लिख दिया जाएगा कि अब तक आपका इतना टैक्स आप दे चुके हैं। ये फिर क्या होता है कि जिस दिन आपको कोई तकलीफ आई, तकलीफ क्या आई, मान लीजिए आपका व्यापार चौपट हो गया, चौपट होने के कई कारण है, मान लीजिए सुनामी भूकंप आ गया, उसमें आपकी दुकान डूब गई या आपकी फैक्ट्री डूब गई या भूकंप आ गया, जंजला आ गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो आपने जो टैक्स भरा है वो पूरा का पूरा आपको वापस मिलेगा। क्यों? आपको दोबारा व्यापार शुरू करने के लिए। सभी यूरोप के देशों में वैट जो है ना इस हिसाब से लगता है, माने वैट देने वाले व्यापारी को मालूम है कि उसका दिया हुआ टैक्स का एक एक पैसा सुरक्षित है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको मिल जाएगा, जरूरत नहीं है तब तक सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है और सरकार उस पर आपको ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट पे कर। ब्याज की दर क्या है? अनेक अनेक देशों में अनेक अनेक दरें हैं। सामान्य रूप से सबसे कम ब्याज की दर है 1.5% और सबसे अधिक ब्याज की दर है 5.5%। माने आपका दिया हुआ टैक्स एक तरह से आपके बैंक के अकाउंट में रखा हुआ धन है, जिस पर बैंक आपको ब्याज भरती है वैसे ही सरकार आपको ब्याज देती है। आपका दिया हुआ टैक्स बैंक के अकाउंट में रखा हुआ धन है, जिसको जब चाहे आप निकाल सकते हैं, जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत बस ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकार कन्विंस हो। मैंने क्या कहा आपसे, अगर आपको कोई नुकसान नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, अगर कोई नुकसान हो गया है तो सरकार खुद आपको बुलाकर सारा दे देगी कि अब आप इससे दोबारा व्यापार शुरू करिए, और जब आप दोबारा वैट देने लायक हो जाए तो फिर आप जमा करवाते जाए। ये व्यवस्था भारत में ऐसी आप कोई कल्पना कर सकते? हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में पिछले 57 साल में सरकारों ने जितने टैक्स लिए हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई सरकार आपके लिए हुए पैसे को वापस आपको दे दे उपयोग करने के? यहां की सरकार तो जौ की तरह से खून जैसे पीते रहना पीते रहना पीते रहना उस स्थिति में, वापस देने की तो कोई कल्पना नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात कि जिन देशों में वैट है, खासकर यूरोप के देशों में, दुनिया में सबसे पहले वैट आया, दुनिया में सबसे पहला वैट लगाने वाला देश है जर्मनी, तो उन देशों में जो दर है टैक्स की दर वो अधिक से अधिक मैक्सिमम 6%, 6% से ज्यादा कोई भी वस्तु पर वैट नहीं है। भारत में क्या है? भारत में अधिक से अधिक वैट की दर 20% है। आपको मालूम है भारत में वैट की दर के 4 स्लैब हैं। एक है जिस पर 0% वैट है, एक है जिस पर 4.5% वैट है, एक है जिस पर 12.5% वैट है, और चौथी एक स्लैब है जिसमें 20% है। 20% वाली जो वस्तुएं हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, एलपीजी है, सीएनजी है, यूरिया है, डीएपी है, सुपर फॉस्फेट है, ये यूरिया डीएपी सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो इन पर 20% के हिसाब से है, और वहां देशों में 6% से ज्यादा कहीं भी नहीं है। जर्मनी में हाईएस्ट टैक्स रेट है वैट का, वो 6%, तो वहां सिर्फ 6% है, और वो भी एक बिंदु पर है, एक बार दे दिया बिल्ला छुट्टी हो गई, यहां 20% है और बार बार है। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले हिसाब निकाला, हिंदुस्तान में क्या होता है, सामान्य रूप से कोई वस्तु
कारखाने में जब बनती है और ग्राहक तक पहुंचती है उसके पहले वो 3-4-5 हाथों में से गुजरती है। स्टॉकिस्ट के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, एरिया रिटेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास आया, और भी एक आध इसमें बीच की कड़ी हो सकती है। तो यहाँ सामान्य रूप से 4-5 हाथों में गुजरकर वस्तु ग्राहक तक पहुंच रही है, तो यहाँ क्या होगा, बार बार वैट लगेगा। तो 20% वाली वस्तु में मैंने हिसाब जोड़ा है, तो वैट की दर अगर 4 जगह हम मान लें, 4 स्थानों से गुजरती हो, तो 34% तक आता है वो टैक्स 20% वाले क्लासिफिकेशन, और वहां सिर्फ 6% आता है। तो उनके यहां क्यों वैट सफल है और यहां सफल होने की संभावना क्यों नहीं है, उसका ये एक मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। और इससे भी ज्यादा महत्व की एक और बात है कि जिन देशों में वैट का कानून लागू है उन देशों में कानून को लागू करने वाले जो अधिकारी हैं उनको कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो टैक्स इकट्ठा करें और खजाने में जमा करें, बाकी कोई अधिकार नहीं, बाकी सब उनकी ड्यूटीज है, राइट्स कुछ नहीं है। आप ड्यूटीज और राइट्स में अंतर समझते हैं, कर्तव्य है, अधिकार कुछ नहीं, वहां तो उनको अधिकारी भी नहीं कहा जाता है, टैक्स कलेक्टर कहा जाता है, ऑफिसर नहीं है, कलेक्टर है। और उनके यहां कलेक्टर के पास कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो आपके पास आए और आपके पास जो वैट की धनराशि है वो लेके सरकार के खजाने में जमा कर दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत में क्या है, भारत में जो टैक्स कलेक्टर है उसको सब तरह के अधिकार सरकार ने दे दिए। कैसे कैसे अधिकार दे दिए हैं, जैसे वैट को लागू करवाने वाला जो अधिकारी है वो कौन होने वाला है, वो सेल्स टैक्स ऑफिसर होने वाला है या सेल्स टैक्स कमिश्नर या सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, माने सेल्स टैक्स का जो विभाग था बिक्री कर विभाग, उसी को सरकार अब वैट की जिम्मेदारी देने जा रही है। तो जो वैट इकट्ठा करेगा उसको अधिकार क्या क्या है, दूसरे देशों में तो कुछ नहीं है सिवाय रकम इकट्ठा करके खजाने में भरने के, इतना ही है। हमारे यहाँ क्या क्या है, हमारे यहाँ कोई भी अधिकारी जो वैट ले रहा है वो कभी भी आपकी दुकान में आ सकता है और आपका कैश चेक कर सकता है, आपका जो गल्ला है रकम जहां आप रखते हैं कैश बॉक्स है उसको खोलकर चेक कर सकता है, नोट गिन सकता है कि इसमें कितना रखा हुआ, फिर आपके गल्ले में जितना कैश है उसके हिसाब से आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। मान लीजिए मेरे गल्ले में 10,000 रुपए निकला, तो 10,000 रुपए का मैंने क्या बेचा है सवेरे से अभी तक वो सभी रिकॉर्ड होने चाहिए, चाहे उसमें 10 पैसे की चीज बेची हो या 10,000 की बेची हो। अगर वो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है उसी क्षण वो जुर्माना करेगा और जुर्माने की न्यूनतम धनराशि 10,000 रुपए। माने अगर 10 पैसे का आपने लेन देन किया है और उसका कागज बराबर नहीं है आपके पास तो 10,000 का जुर्माना कर सकता है। आगे अगर आप उसका 10,000 रुपए का जुर्माना उसने किया तो उसका वो टाइम देगा कि 3 दिन में भरना या 2 दिन में भरना या 5 दिन में भरना, और आपने नहीं भरा तो उसको क्या अधिकार है, वो आपके घर की मोटरसाइकिल उठा के ले जाएगा, स्कूटर उठा के ले जाएगा, साइकिल उठा के ले जाएगा, कार उठा के ले जाएगा, उसको बेचकर 10,000 रुपए निकाल लेगा, ये उसको अधिकार है। और इसके भी आगे अगर आपने जुर्माना नहीं भरा तो वो आपके बैंक में जा सकता है, बैंक में आपका कोई खाता चलता है तो बैंक को ये कंपल्शन किया है वैट में कि व्यापारियों के सारे खाते वैट ऑफिसर के सामने वो डिस्क्लोज करें, बैंक इसके लिए बाध्य है। तो बैंक के खाते आपके चेक करेगा, उसमें अगर 10,000 से ज्यादा रकम है तो निकाल लेगा और आपका जुर्माना पट गया, आपको बता दिया जाएगा कि आपके खाते से निकलवा लेगा। और अगर बैंक में नहीं मिला कुछ तो आपके घर चला जाएगा, आपके घर का लॉकर तोड़वा सकता है, उसमें अगर गहने रखे हैं आपकी पत्नी के तो उनको ले जाकर बेच लेगा।
आपके घर में अगर कोई भी संपत्ति उसको मिल जाए जिसकी कीमत 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, उसको ले जाके बेच के वो अपना जुर्माना वसूल ले। और मान लो कुछ भी नहीं है आपके घर में और उसको जुर्माना वसूलना है, आप घर से भागे हुए हैं, तो आपकी गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू करा सकता है। और गिरफ्तारी में आप नहीं हो पाए पेश तो आपकी पत्नी की गिरफ्तारी करा सकता है। पत्नी नहीं है अगर आपके घर में, आपकी बहन है, बहन की गिरफ्तारी करा सकता है। बहन नहीं है मान लो, बहन के पति हैं, उनकी गिरफ्तारी करा सकता है। अगर आपके घर में आपकी बेटी है, बेटी शादीशुदा है और उसका पति है माने आपका जमाई, वहां तक गिरफ्तारी करवा सकता है। इतने अधिकार टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को दिए हुए। दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि ये सारे अधिकार एक ऐसे डिपार्टमेंट को दिए जा रहे हैं जो महाभ्रष्ट है या महाहरामखोर। आप जानते हैं कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कितना भ्रष्टाचार और कितने घोटाले होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने टीवी पर देखा था, आज तक न्यूज चैनल में, कि दिल्ली का जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है जहां कमिश्नर रैंक का अधिकारी बैठता है, दिल्ली की सरकार के नाक के नीचे वहां 84 अधिकारी हैं, बिना रिश्वत के फाइल भी इधर से उधर नहीं करते हैं। और उस सेल्स टैक्स ऑफिस में गजब का समाजवाद है, सोशलिज्म वहीं पे है। दुनिया में अगर कहीं सोशलिज्म है तो सेल्स टैक्स विभाग में है दिल्ली में। वो कैसा सोशलिज्म है, अधिकारी जब सवेरे दफ्तर में आता है तो अपनी सारी जेब झाड़ के आता है, एक रुपया उसमें नहीं होगा जेब में, 10 पैसा भी नहीं होगा, सारा झाड़ के आएगा माने खाली जेब आएगा। उसके बाद जब शाम को वापस जाता है तो क्लर्क ग्रेड के अधिकारी के पास कम से कम 2,500 से 3,000 होता है और कमिश्नर रैंक के अधिकारी के पास 50-60 हजार से आगे कुछ भी हो सकता है। ये आज तक टीवी चैनल पे हमने देखा। और होता क्या है कि ये सब कर्मचारी इकट्ठे होके पैसा वसूलते हैं, फाइल के रेट फिक्स हैं, इस मेल से इस मेल तक फाइल आएगी तो इतना रुपया, यहां से यहां आएगी तो इतना, यहां से यहां आएगी तो इतना, तो सब पैसा वसूलते हैं। इकट्ठा हुआ पैसा शाम को 5 बजे पूरी किया जाता है। देखिए समाजवाद कितना जोरदार है वहां पे सोशलिज्म। जिस जिस अधिकारी ने रिश्वत खाई है, घूस खाई है पूरे दिन में, शाम को 5 बजे एक मेज पर वो पूरा पैसा निकाल के इकट्ठा करते हैं और गिनते हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में नियम यह है कि कमिश्नर को ज्यादा, उससे नीचे को कुछ कम, उससे नीचे को कुछ कम, अंत में चपरासी को भी मिलता है। तो रोज शाम को वो अधिकारी जब घर जाते हैं तो सामान्य क्लर्क की जेब में 3,500-3,000 तक होता है और कमिश्नर की जेब में 50,000 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। ये रोज का है दिल्ली के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का। और अगर दिल्ली में ये हाल है जहां केंद्र सरकार की राजधानी है और जहां राज्य सरकार की राजधानी है, वहां इतना खुलेआम अगर भ्रष्टाचार चल रहा है, तो भिलाई में, रायपुर में, बिलासपुर में, जगदलपुर में तो क्या होगा। ऐसे भ्रष्टाचारी हरामखोर अधिकारियों को इतने अधिकार दे देना वैसा ही है बंदर के हाथ में उस तरह दे देना ताकि वो गला देता रह सके। अब इसमें क्या होने वाला है कि अधिकारी अगर आपसे खुन्नस खा गया तो रगड़ देगा, इतने अधिकार उसके पास है। और मजे की बात यह है कि अधिकारी अगर गलती करे तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। वैट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। सेल्स टैक्स में तो आज ये है कि अगर अधिकारी ने गलती की तो आप उसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं। सेल्स टैक्स के अपने कोर्ट हैं, इनकम टैक्स के अपने कोर्ट हैं, आप वहां जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। वैट का अधिकारी अगर आपके खिलाफ कुछ गलती किया तो आप उसकी शिकायत कहीं नहीं कर सकते, ऐसा कोई फोरम नहीं। सरकार कह रही है कि हम इस पर विचार करेंगे थोड़े दिन में कि ऐसी व्यवस्था बने, अभी तक नहीं है। और ऐसी स्थिति में अधिकारियों को सारे अधिकार दे देना, आपकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार, आपको वारंट इशू करने का अधिकार, गिरफ्तारी करवाने का अधिकार,
आपके बैंक से पैसा निकालकर जुर्माना वसूल लेने का अधिकार, आपकी संपत्ति बाजार में बिकवाकर जुर्माना वसूल लेने का अधिकार, ये इतने खतरनाक अधिकार हैं जो कभी अंग्रेजों ने भी इस देश में किसी टैक्स कलेक्टर को नहीं दिए थे, वो भारत की सरकार वैट के अधिकारियों को दे रही है। अब इसमें मजे की बात यह है कि WTO की शर्तों में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। WTO में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जैसे दूसरे देशों में वैट है वैसे आप भी लाइए, लेकिन दूसरे देशों में इतना सरल और आसान वैट है वो यहां लाने की कोशिश है। और सबसे महत्व की बात, जिन देशों में वैट है यूरोप में और यूरोप के पड़ोसी देशों में, वहां एक अद्भुत नियम है कि वैट इकट्ठा करने वाले किसी अधिकारी को सैलरी नहीं मिलती है, पगार नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, कमीशन मिलता है। आपने मान लीजिए $10,000 टैक्स इकट्ठा किया तो उसमें 1% कमीशन आपको मिला, या 2%, 2% से ज्यादा कहीं नहीं, सैलरी नहीं, सैलरी नहीं है, इमोल्यूमेंट्स नहीं है, अलाउंसेस नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको कमीशन है। उस कमीशन की आमदनी से आपको अपना घर मेंटेन करना है। किसी भी वैट ऑफिसर को सरकार का घर नहीं मिलता, सरकारी बंगला जो मिलता है ना यहाँ, जैसे कमिश्नर है और ये सब है, किसी भी दुनिया के देश में वैट इकट्ठा करने वाले किसी अधिकारी को सरकारी घर नहीं मिलता। उनको अपने किराए के घर में रहना है या अपने घर में रहना, सरकारी कार नहीं मिलती, अपनी कार रखनी है, उसका डीजल खर्चे मेंटेन करने हैं खुद, मोबाइल सरकार नहीं देती, मोबाइल अपना रखना है, टेलीफोन भी सरकार नहीं देती, आपको टेलीफोन का खर्चा खुद वहन करना, कोई सरकार सुविधा नहीं, सरकार आपको कमीशन दे रही है उससे आप अपनी सुविधाएं बनाइए, मेंटेन करिए। और हर अधिकारी को एक एरिया बांट दिया जाता है, उतने एरिया में आप टैक्स इकट्ठे करते रहिए, अपना कमीशन उसमें से लेते रहिए, व्यवस्था चलाते रहिए। और उससे भी मजे की बात, एक साल के बाद उस अधिकारी से टैक्स कलेक्शन का काम वापस लिया जाता है, एक साल मिनिमम, अधिक से अधिक 3 साल, माने कम से कम 1 साल वो काम करेगा, अधिक से अधिक 3 साल, हर हालत में 3 साल के बाद उससे काम वापस लिया जाएगा। फिर अगर वही अधिकारी टैक्स कलेक्टर दोबारा वो काम करना चाहे तो सरकार की एक परीक्षा उसको पास करनी पड़ती है, सरकार एक इम्तहान लेती है उसका, उस इम्तहान में बैठने के लिए उसको एक सर्टिफिकेट लगता है, और वो सर्टिफिकेट उसको देने वाला कौन होता है, जो टैक्स भरने वाला नागरिक है वो उसको सर्टिफिकेट बना के देता है। सर्टिफिकेट क्या देता है कि ये अधिकारी बहुत ईमानदार है, ये बहुत मेहनती है, ये बहुत कर्मठ है, ये अपशब्द नहीं बोलता है, इसको गुस्सा नहीं आता है, ये कभी गाली नहीं देता है, ये टैक्स अदा करने वालों के साथ इज्जत के साथ पेश आता है, ऐसे ऐसे उसमें 8-10 पॉइंट रहते हैं, आप उस पर टिक टिक करिए। जब वो उसमें सर्टिफिकेट लेके जाएगा, जमा करेगा, तब सरकार उसको दूसरी बार इम्तहान में बैठने की अनुमति देती है, ये व्यवस्था है। तो इसलिए वो जो टैक्स इकट्ठा करने वाला, उसके सिर पे हमेशा तलवार लटकती रहती है कि अगर मैंने थोड़ा भी बदतमीजी की तो मेरा CR करेक्टर सर्टिफिकेट गया। तो इसलिए वो कभी भी बदतमीजी नहीं करता टैक्स देने वालों के खिलाफ, ना अपशब्द बोलता है, ना गाली देता है, ना बदतमीजी करता है, और ना उनको हैरान परेशान करता है। कुछ देशों में ऐसा भी है, कुछ देशों में तो इम्तहान देना पड़ता है, लेकिन कुछ देशों में अद्भुत व्यवस्था है। ये जो नॉर्वेजियन कंट्रीज है वहां क्या होता है कि टैक्स लेने वाले कलेक्टर को चुनाव लड़ना पड़ता है, इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है, और उसको मैक्सिमम वोट मिले तो दूसरी बार वो ये काम कर सकता है। और वोट उसको कौन देता है, जो टैक्स देने वाला है वो उसको वोट देता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर वैट लागू है और वहां बहुत सफल है, सफल होने के कारण मैंने आपको बता दिया, जनता बहुत प्रसन्न है क्योंकि जनता ऊपर है, टैक्स लेने वाला नीचे, जनता थोड़ी भी नाराज हो गई तो अधिकारी की खैर नहीं, थोड़ी भी नाराज हो गई तो, इसलिए अधिकारी बिल्कुल सीधे काम करता है।
और अधिकारी को अधिकार कुछ नहीं है, बस टैक्स इकट्ठा करो, खजाने में भरो, तुम्हारा कमीशन लेके तुम्हारे घर रखो, बाकी सरकार का। और सरकार क्या करती है, उसको संभाल के रखती है, जरूरत आपको पड़ी तो दोबारा दे देती है। तो जनता इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है कि उन देशों में कभी भी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होता है, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। टैक्स के मामले में इन सब देशों में सारा काम बहुत स्मूथली चलता है। आपने कभी अखबार में नहीं पढ़ा होगा कि जर्मनी के व्यापारियों ने बंद किया, पिछले 50 साल में तो मैंने किसी अखबार में नहीं देखा। मेरी उम्र हालांकि 50 साल नहीं है, लेकिन उसके मेरी उम्र के पहले भी जो जर्मनी से आने वाले समाचार पत्र हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ा कि जर्मनी के व्यापारियों ने बंद किया सरकार के विरोध में, या जर्मनी के उद्योगपतियों ने कभी बंद किया, या फ्रांस के व्यापारियों ने बंद किया। वहां बंद होते हैं सरकारी अधिकारियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा कभी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि व्यापारी और उद्योगपति बहुत खुश है। खुश होने के कारण है, बिल्कुल सीधे सीधे कारण। कई देशों में तो अद्भुत है कि वहां क्या होता है कि दो ही टैक्स है, एक तो वैट है और एक इनकम टैक्स है। और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां इनकम टैक्स भी नहीं है, खाली एक ही टैक्स है, वैट। जैसे स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है, वहां इनकम टैक्स भी नहीं, खाली वैट है। लग्जमबर्ग नाम का एक देश है, वहां इनकम टैक्स नहीं है, खाली वैट है। पनामा नाम का एक देश है, वहां इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ वैट है। तो बहुत सारे देशों में इनकम टैक्स भी नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्स है। और कुछ देशों में इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में वैट है। और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इन दो के अलावा एक और टैक्स है, तीसरा, वो है कस्टम ड्यूटी। बस, तो अधिक से अधिक तीन और कम से कम एक टैक्स इन देशों में है जहां पर वैट है। भारत देश में अधिक से अधिक टैक्स अगर मैं जोड़ दूं तो 43, अधिक से 43, और कम से कम की यहां कोई व्यवस्था नहीं है हिंदुस्तान। तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत में वैट आएगा या आ गया है, तो इसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं? सबसे बड़ा दुष्परिणाम, चीजें महंगी होगी, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीजें बहुत सारे हाथों से गुजरती है, तो सामान्य रूप से वैल्यू एडिशन होता रहता है, मूल्य वर्धन होता रहता है, इसलिए वैट बार बार आने वाले, तो चीजें महंगी होंगी। दूसरा, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो इतना ज्यादा बेईमान और भ्रष्टाचार है, उसको इतने अधिकार मिलने जा रहे हैं, तो वो तो और ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला है। मानी भ्रष्टाचार अब इतना बढ़ेगा इस देश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और तीसरा सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होने वाला है कि भारत देश में सरकार ये कह रही है कि 10 लाख रुपए से कम का व्यापार करने वालों को वैट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उनको वैट का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टैक्स नहीं भरना है लेकिन रिटर्न फाइल करना है, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना, भले आप इनकम टैक्स पे नहीं करें लेकिन रिटर्न फाइल करिए टाइम से, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो जुर्माना। अब देखिए कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा व्यापारी, 80% व्यापारी ऐसे हैं जो साल में 10 लाख रुपए से कम का व्यापार करते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले, चाट पकौड़ी का ठेला लगाने वाले, दाल बेचने वाले, आटा बेचने वाले, चावल बेचने वाले, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे गांव गांव में हैं, शहरों में हैं, ये 10 लाख से कम का व्यापार करने वाले 80% हैं। इन सबको वैट का रिटर्न फाइल करना। अब कहां रिटर्न फाइल करें, किसके पास जाएं, किसको पूछें, उनको कोई बताने वाला नहीं, और अगर नहीं फाइल करेंगे तो जुर्माना। तो अब होगा क्या कि ये वैट ऑफिसर इनको चूसेंगे। अब आप जरा कल्पना करो, भिलाई शहर में कोई सड़क पर मान लीजिए पानी पूरी बेचता है, दही बड़े बेचता है, मंगौड़ी बेचता है, उसको जाके पूछो कि तुमको अभी थोड़े दिन के बाद वैट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो आपका मुंह देखेगा ऊपर से नीचे तक, क्या है वैट रिटर्न, क्या होता है, उसको कोई बताने नहीं गया, लेकिन आफत उसके ऊपर आने वाली है थोड़े दिन। कब आएगी? अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने थोड़े दिन के लिए कहा है कि हम वैट को सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन रद्द नहीं कर रहे, थोड़े दिन बाद लगा सकते हैं।
तो यहां लग गया तो छोटे छोटे व्यापारियों के सामने तो मरने की हालत है। बड़े व्यापारी भी मरेंगे लेकिन छोटे पहले मरेंगे। बड़े कैसे मरेंगे? आप वैट फाइल कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, वैट रिटर्न भी आपको भरने हैं। तो वैट रिटर्न भरने का मतलब है कि आप अपनी थोड़ी भी इनकम छुपा नहीं सकते, और इनकम नहीं छुपा सकते तो इनकम टैक्स वाले तैयार बैठे हैं आपकी गर्दन दबोचने के लिए। तो इधर आप वैट भरिए, उधर से इनकम टैक्स की रेड के लिए तैयार रहिए। और हिंदुस्तान की सरकार ने जो कहती है कि वैट आने से ब्लैक मनी छुप नहीं पाएगा, ठीक है, वो इसलिए नहीं छुप पाएगा कि हर एक रिटर्न फाइल करने वाला आदमी जब वैट का रिटर्न फाइल करेगा तो ऑफिसर को अंदाजा तो लग ही जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। रिटर्न आप जो फाइल कर रहे हैं उसमें सेल आपको दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट भी दिखाने पड़ेंगे, इनकम का अंदाजा लग जाएगा। इनकम का अंदाजा लग जाएगा तो इनकम टैक्स आपसे वसूला जाएगा। तो सरकार इस उम्मीद में है कि ब्लैक मनी आप छुपा नहीं पाएंगे। और फिर इसमें क्या होगा कि अगर ब्लैक मनी आप नहीं छुपा पाएंगे तो भारत में बहुत तकलीफ आने वाली है। तकलीफ क्या आने वाली है? तकलीफ ये आने वाली है कि भारत की 80% सामाजिक गतिविधि ब्लैक मनी से ही चलती है, सरकार नहीं चलाती इस देश में, ये देश तो ब्लैक मनी पे ही चलता है। और मेरा इस पर अध्ययन है और मैं किसी से भी बात कर सकता हूं इस विषय पर कि अगर ब्लैक मनी नहीं हो तो ये देश नहीं चल सकता। कैसे? हिंदुस्तान में 1,30,00,000 मठ और मंदिर है, उनमें जैन धर्म वाले भी हैं, बौद्ध धर्म वाले भी हैं, सिख धर्म के गुरुद्वारे हैं, मुसलमान धर्म के ये मस्जिदें हैं, ईसाई धर्म के गिरजाघर हैं, 1,30,000। इन सबको चलाने में ब्लैक मनी ही काम आता है। कोई हिंदुस्तान की सरकार कोई मंदिर चलाती है क्या? हिंदुस्तान की सरकार तो इतनी हरामखोर है कि मंदिरों में आने वाली रकम भी ले लेती है। जैसे आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है, उसकी रकम सरकार ने लेना शुरू कर दिया है। पहले यह कहा था कि मंदिर के विकास के लिए इस्तेमाल होंगे, अब धीरे धीरे मंदिर का विकास तो रुक गया है और रकम जम्मू कश्मीर की सरकार के खजाने में जा रही है। ऐसी तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी के मंदिर की रकम को तो चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में खर्च किया। ऐसे दक्षिण भारत में गोलवायूर मंदिर है केरल, उसकी रकम को केरल सरकार इस्तेमाल करती है। सरकार मंदिरों को देती कुछ नहीं, जो मंदिरों में चढ़ावा आ रहा है, दान आ रहा है, उस पर भी उनकी गिद्ध नजर लगी हुई है। और अब सरकार एक बहस चला रही है कि क्यों नहीं सारे मंदिरों की रकम को लेने का अधिकार सरकार को हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि सरकारों को मालूम है कि मंदिरों में आने वाला पैसा बहुत है, चाहे वो जैन मंदिर में हो चाहे दूसरे मंदिरों में। अब मंदिरों में जो पैसा दान में चढ़ाया जाता है ये सब ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी से वो मंदिर चल रहे हैं। मंदिरों के साथ साधु संतों की व्यवस्था हो रही है। भारत में लगभग 1.5 करोड़ साधु संत हैं, हाँ 1.5 करोड़ सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जिनकी पूरी व्यवस्था इसी ब्लैक मनी से चलती है। सरकार किसी संत को तनख्वाह नहीं देती, फिर भी संत जो रहते हैं वो सरकार के किसी अधिकारी से ज्यादा अच्छी जिंदगी बिताते हैं। कई संतों का आप रहन सहन अगर देखोगे तो एयर कंडीशनर गाड़ियों से लाइन लगी है, एयर कंडीशनर में सोते हैं, हवाई जहाजों में कथाएं कहते हैं, हवाई जहाजों में ट्रेवल करते हैं। तो संतों का जीवन सरकार के किसी नेता की जिंदगी से कम नहीं है, लेकिन इतना खर्चा जो उनकी जिंदगी में हो रहा है वो सब ब्लैक मनी का है। तो ब्लैक मनी से मंदिर चल रहे हैं, मठ चल रहे हैं, हमारे देश की पूरी धार्मिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसी ब्लैक मनी से उन मंदिरों के द्वारा गौशालाएं चलाई जा रही हैं, उन मंदिरों के द्वारा धर्मशालाएं चलाई जा रही हैं, उन मंदिरों के द्वारा हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं, उन मंदिरों के द्वारा पानी के कुएं खोदे जा रहे हैं, तालाब बनाए जा रहे हैं, बावड़ियां बनाई जा रही हैं, कई गांव में सड़कें बन रही हैं और कई कई गांव में गरीब बहनों के विवाह भी किए जा रहे हैं उसी पैसे से। माने वो सब ब्लैक मनी का है।
हिंदुस्तान की सरकार कब हिंदुस्तान की गरीब बेटियों की विवाह करने के लिए पैसा देती है बजट से? कब हिंदुस्तान की सरकार मंदिरों के रख रखाव के लिए खर्चा करती है? कुछ नहीं करती। मंदिर उल्टे समाज के बहुत सारे काम करते हैं। तो मंदिरों के माध्यम से समाज की बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है। और हिंदुस्तान में विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, संस्कार होते हैं। 16 संस्कार इस देश में होते हैं सामान्य रूप से। इन संस्कारों पर होने वाला सारा का सारा खर्च वो भी ब्लैक मनी का है। और उन संस्कारों के माध्यम से होने वाला खर्च भारत के कारीगर समाज के लिए बहुत बड़ा बाजार बनाता है। जैसे हमारे देश में यज्ञ होते हैं समय समय, तो यज्ञों में क्या होता है, घी चढ़ता है, घी की आहुति होती है और फिर जो उसमें यज्ञ सामग्री है, तो यज्ञ सामग्री बनाने वाले लोगों को रोजगार तो यज्ञों से ही मिला हुआ है। और घी का बिजनेस करने वालों का सबसे अधिक घी तो यज्ञों में बिकता है हर साल। खाने में इतना घी काम नहीं आता, उससे ज्यादा यज्ञ में काम आता है इस देश में। अगर मान लो यज्ञ होना बंद हो जाए तो सारे पशु पालक भूखे मर जाए जो घी बनाकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। किसानों की जिंदगी भूखे होने की आ जाए नौबत। और ऐसे ही जब यज्ञ होते हैं तो नए कपड़े खरीद कर उसमें स्वाहा किए जाते हैं, आहुति में डाले जाते हैं, तो कपड़ा बनाने वाले कारीगरों को रोजगार मिला हुआ है। और यज्ञ का नियम है कि हाथ का बनाया हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल होता है। तो लाखों जुलाहे यज्ञ में दान जाने वाले कपड़ों के आधार पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। ऐसे ही जब यज्ञ होते हैं तो आपने देखा है 10-12 दिन के लिए बाजार लग जाता है वहां। तो जो भी ग्रामीण भाग की जनता आती है उसमें से हजारों रुपए के सामान खरीदती है, वो मार्केट जो चलता है वो भी ब्लैक मनी से चलता है। या हमारे गांव में 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। हर संस्कार में आप ध्यान दो तो समझ में आएगा किसी ना किसी कारीगर के लिए मार्केट बनाने की व्यवस्था संस्कारों के माध्यम से ही हो रही है। मृत्यु संस्कार की कल्पना करें, सबसे आखिरी संस्कार। तो मृत्यु के समय किसी व्यक्ति को अंतिम यात्रा में क्या क्या लगता है? नया कपड़ा चाहिए। नया ही क्यों चाहिए, पुराना भी लग सकता है। घर में तो पुरानी धोतियां पड़ी रहती हैं, लेकिन नहीं, नियम है कि नया कपड़ा ही चाहिए और जुलाहे के हाथ का ही चाहिए। माने जुलाहा तो कपड़ा बुन रहा है, ये तो पक्का है कि लोगों के मरने पर उसका 2-3 मीटर कपड़ा तो बिकेगा ही। और हर साल अगर 1 करोड़ लोग मर रहे हो तो 2.5-3 करोड़ मीटर कपड़े की तो पक्की व्यवस्था है। इसी तरह जन्म लेने के समय बच्चे के लिए नए कपड़े चाहिए तो वो भी जुलाहे ही लेके आता है। फिर बच्चे के नाम से कपड़े दान दिए जाते हैं, वो भी जुलाहे के ही होते हैं। भंगिन को दान दिया जाता है, इनको दिया जाता है, तो वो भी एक पक्की व्यवस्था है। ऐसे ही मरते हुए आदमी की अंतिम यात्रा में मिट्टी का घड़ा चाहिए, वो भी नया चाहिए, जिसमें अग्नि रख के ले जानी जाती है। पुराने घड़े से काम क्यों नहीं चला लेते? अगर पुराने घड़े से काम चलाएंगे तो कारीगर का बिकेगा क्या? तो घड़ा भी बिकता है उसमें, लकड़ी भी बिकती है उसमें। तो लकड़ी बेचने वाले को रोजगार है, घड़ा बनाने वाले को रोजगार है, कपड़ा बनाने वाले को रोजगार है। फिर वो ठटरी जो बांधते हैं, आखिर बांस का काम करने वाले को भी तो रोजगार। माने हिंदुस्तान में 16 संस्कारों की जो व्यवस्था है वास्तव में वो मार्केटिंग सिस्टम है, वो मार्केट बनाने का है। वरना ये संस्कारों में खाली मंत्र पढ़ दिए जाए और कुछ ना किया जाए तो भी चल सकता है। ना कपड़ा मंगाओ, ना घड़ा मंगाओ, ना बर्तन मंगाओ, ना कुछ करो, ना कुछ करो, बस मंत्र पढ़ लो। खाली मंत्र पढ़ने से मार्केट नहीं बनता है, पूजा तो हो जाती है, बाजार तो नहीं बनता, माल तो नहीं बिका कारीगर का। और भारतीय समाज में यह माना जाता है कि कारीगर वर्ग का माल बिकता रहे तो समाज जिंदा रहे, क्योंकि 35% हमारे देश की आबादी कारीगर वर्ग से आती है, 70% आबादी किसान लगभग, उसमें से 15% कॉमन है, माने किसान भी है कारीगर भी, और बाकी निखालिस है, 20% एकदम निखालिस कारीगर है। तो किसान के बाद कारीगर वर्ग है, इसकी व्यवस्था तब चलेगी जब इसके द्वारा बनाई गई चीजें बिकती रहें। शादियों में भी ऐसे ही होता है,
शादियों का जो संस्कार है उसमें मंगल सूत्र आना तो कंपलसरी है, बिना मंगल सूत्र के शादी नहीं होगी। कम से कम किसी सुनार को तो काम दिया, कारीगर को तो काम मिला। और ऐसे ही जन्म के समय बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके गले में सोने की चेन डालना तो कंपलसरी है, माने किसी सुनार को फिर काम मिला। शादी के समय, जन्म के समय और मृत्यु के समय भी देखा है कि सुनार का कुछ ना कुछ लगता है, मरने वाले आदमी के साथ भी। तो सुनारों के लिए, लोहारों के लिए, कुम्हारों के लिए, जुलाहों के लिए, ये जो हमारे यहाँ कारीगर वर्ग रहा है, 12-13 तरह के कारीगर हर गांव में रहे हैं, इनकी व्यवस्था चलती है वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी से चलती है। ये सारे काम ब्लैक मनी से होते हैं। किसी के घर में जन्मदिन का फंक्शन ब्लैक मनी से होता है, किसी की बेटी की शादी ब्लैक मनी से होती है, बेटे की शादी ब्लैक मनी से होती है, बेटी बेटे की शादी में किस किस को क्या क्या रोजगार मिलता है, दरी बिछाने वाले को, चदरा लाने वाले को, माइक चलाने वाले को, बिजली लगाने वाले को और खाना खिलाने वाले को, किस किस को क्या क्या रोजगार बनता। तो ये जो सामाजिक गतिविधियां चलती हैं हमारे देश में, ये सरकार तो चला नहीं पाती, सरकार की तो दम भी नहीं है, सरकार को इतनी दम नहीं है कि हिंदुस्तान की सब बेटियों की शादी करा सके हर साल, उतने में खजाना खाली हो जाए। ये तो समाज की ताकत है जो हर साल करोड़ों बेटियों की शादी कराता है या करोड़ों बेटों की शादी कराता है। तो शादी हो, ब्याह हो, बारात हो, मुंडन हो, संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बाजार बनाने के लिए इस देश में है। ऐसे ही नहीं है, जिसको हम कर्मकांड कह के गाली देते हैं वो कर्मकांड नहीं है, वो मार्केटिंग सिस्टम। हमने अच्छा मार्केटिंग सिस्टम विकसित किया है अपने देश में, और ऐसा अद्भुत मार्केटिंग सिस्टम दुनिया के किसी देश में नहीं। तो ये जो मार्केटिंग सिस्टम है जो सरकार से अलग है, ये पूरा ब्लैक मनी से चलता है। अब सरकार क्या कहती है, जी ब्लैक मनी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो ये सब सिस्टम टूट जाएगा। और ये सिस्टम टूट गया तो कितनी भयंकर बेरोजगारी होगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो आज बेरोजगारी है उससे भी 10 गुनी ज्यादा बेरोजगारी। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में ब्लैक मनी की जो इकोनॉमी है वो सरकार से ज्यादा पावरफुल है और सरकार से ज्यादा अच्छी है। इसका माने ब्लैक मनी की इकोनॉमी चलनी चाहिए, नहीं चलेगी तो देश टूट जाएगा। अगर मंदिर इस देश के खत्म हो गए तो आप सोच नहीं सकते, इस देश में इतनी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि कोई मिलिट्री और कोई पुलिस उसको सॉल्व नहीं कर सकती। मंदिरों ने, मठों ने इस देश के आधे से ज्यादा झगड़ों को अदालत में जाने से रोका हुआ है, आधे से ज्यादा। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े संतों के पास जाता रहता हूं, अक्सर उनके यहां मैं भीड़ देखता हूं, दो भाई हैं, झगड़ा कर लिया, आपस में आ गए, महात्मा जी कुछ फैसला कर दीजिए, बाप बेटे आ गए, महात्मा जी फैसला कर दीजिए, साधु जी फैसला कर दीजिए। अब महात्मा जी जो फैसले करते हैं रोज रोज, वो अद्भुत है। अगर ये सब मुकदमे अदालतों में चले जाए तो अदालतों में बैठ जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की अदालतों में 4.5 करोड़ मुकदमे पिछले 20 साल से पेंडिंग है, उनको वो हल नहीं कर पा रहे हैं। रोज रोज नए नए मुकदमे पहुंचना शुरू हो गए तो बैठ जाए, इनके बस का नहीं। ऐसे ही ज्यादातर महात्मा जी अदालतें लगाते हैं, माने इनफॉर्मल फैसले कराते हैं ना, वो अदालतें ही लगाना हुआ। और बहुत सारे महात्मा इलाज करते हैं, गुरु जी ये बीमारी है, गुरु जी वो बीमारी, अच्छा तुलसी का पाउडर खा लेना, तो इसका नमक में मिला के पी लेना, तो इसका ये कर लेना। तो ये जो नुस्खे हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, ये महात्मा लोग ही बताते, डॉक्टरों के बस का नहीं है सबको चिकित्सा दे पाना इस देश में। भारत में 10 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर है और 103 करोड़ मरीज है, हिसाब लगा लो। डॉक्टर पागल हो जाएगा इलाज करते करते अगर सब उसी के पास पहुंचने लगे। और गांव के लोग तो महात्मा जी के ही पास जाते हैं, डॉक्टर के पास तो तब आते हैं जब बात बहुत ज्यादा हाथ से निकल जाए या बिगड़ जाए। छोटे मोटे काम के लिए तो महात्मा जी जिंदाबाद है। और महात्मा जी को लोग इसलिए पाले हुए हैं कि उनके न्याय का काम कर रहे हैं, चिकित्सा का काम कर रहे हैं, और जब उनके दिमाग में कोई भ्रम पैदा होता है तो महात्मा जी उसका निवारण करते हैं। ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है।
तो बहुत बड़ी व्यवस्था इन मंदिरों के माध्यम से, मठों के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से चल रही है। इसमें कुछ अपवाद भी है, कुछ महात्मा दूषित हो गए हैं, खराब हो गए हैं, वो तो दुनिया के हर देश में अपवाद होते हैं, कोई भी व्यवस्था आदर्श नहीं होती है, लेकिन समाज में चलाने में इनकी बड़ी भूमिका है। अगर ये ब्लैक मनी खत्म हुई तो ये सब व्यवस्था टूटेगी। सरकार की दम नहीं है जो इसको चला सके, सरकार की तो इतनी दम नहीं है कि जो उसके अपने निमित्त कर्तव्य हैं उनको पूरा कर सके। नई जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात, सरकार को 6,30,000 गांव में पीने का पानी देना है, आजादी के 57 साल के बाद भी नहीं दे पाए, अभी तक 3 लाख गांव में ही पीने का पानी, बिजली नहीं दे पाए हैं सब गांव में, चलने के लिए सड़क नहीं बना पाए, स्कूल नहीं खोल पाए हैं, पाठशालाएं नहीं बना पाए, तो सरकार अपने प्राथमिक कर्तव्य तो कर नहीं पा रही है, ये नए काम और उसके ऊपर आ गए तो वो तो नहीं कर। तो हिंदुस्तान तो चल रहा है ब्लैक मनी से, व्यवस्थाएं तो उसी से ठीक हैं। अगर ये खत्म करने की ताकत सरकार ने लगाई तो देश खत्म होगा। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा है, दूसरे देशों में नहीं, यूरोप में तो कहीं नहीं। यूरोप में ना कोई महात्मा होता है, ना कोई साधु होता है, ना कोई संत होता है, ना कोई मठ में जाता है, गिरजाघर में भी मुश्किल से जाते हैं साल में एक आध बार, वो भी ऐसे ही नाम करने के लिए चले जाते हैं, कोई दिल से श्रद्धा है इसलिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वहां की समाज व्यवस्था तो पूरी तरह से सरकार आधारित है, यहां की समाज व्यवस्था सरकार आधारित नहीं है। हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था स्वयं पर आधारित है और वो चल रही है ब्लैक मनी से। अगर ये ब्लैक मनी खत्म हुआ तो ये सारी व्यवस्था टूटेगी। कैसे टूटेगी? व्यापारियों से सरकार ने चूस चूस के ज्यादा लेना शुरू किया टैक्स के रूप में, तो व्यापारी दान कम देंगे और वो दान कम देंगे तो मंदिरों में रकम कम हो जाएगी, तो मंदिरों के द्वारा जो काम चल रहे हैं देश भर के वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बंद हो जाएंगे। पैसा तो उतना ही है, चाहे सरकार खींच के ले जाए, चाहे व्यापारी औद्योगिक समाज देश के समाज के लिए खर्च कर दे। अगर वो देश समाज के लिए खर्च करता है तो सार्थक है, सरकारों को दे दे तो कोई गारंटी नहीं है कि सरकार उस पैसे से अपने हर्ट का ऑपरेशन नहीं कराए। सरकार से मतलब नेता, नेताओं में तो इतनी बेशर्मी आ गई है इस देश में कि जनता के खून पसीने की टैक्स के कमाई के पैसे से अपनी व्यक्तिगत जिंदगी चलाते हैं। अगर किसी नेता का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया तो सीधे जनता के टैक्स के पैसे से हवाई जहाज लेता है, चार्टर्ड फ्लाइट लेता है, सीधे अमरीका ह्यूस्टन जाता है, ब्लड प्रेशर चेक करा के वापस आता है, और ऑपरेशन कराना हो तो लंदन जाता है, कुछ कराना हो तो सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। सभी नेता ये करते हैं इस देश में, अपवाद भी नहीं है इस समय। और अगर नहीं जाना संभव हो तो विदेशी डॉक्टरों को बुला लेता है कि भाई तुम करो मेरे ऑपरेशन, हालांकि देश में डॉक्टर मौजूद है, सब कुछ है। तो नेताओं की आदत हो गई है खराब, और इसलिए कि जनता कभी पूछती नहीं है, सीधी सादी भूली वाली है, वरना इस देश की जनता जूता लेके खड़ी हो जाए नेताओं के पीछे कि हमने पिछले साल इतना टैक्स का पैसा दिया था, बताओ क्या किया तुमने। और नेता भी इतने बेशर्म है कि जनता के टैक्स के पैसे से जो संसद चलती है उस संसद का क्या हाल बना रखा है वो आप देखो। रोज का संसद पे 3.5 से 4 करोड़ रुपए खर्च होता है, और जो हालत संसद की है वो आपकी आंखों के सामने, विधानसभाओं की जो स्थिति है वो आपकी आंखों के सामने। तो इतनी खराब व्यवस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार के पास जाना ये सबसे खतरनाक है। अगर हमारी सरकारें यूरोप जैसे देशों की हो, जैसे वहां की सरकार टैक्स का पैसा इकट्ठा करती है, जरूरत पड़ने पर वापस देती है, ऐसे अगर भारत की सरकार हो तब तो ठीक है, या सरकार कम से कम टैक्स लेती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास छोड़ती है, तब तो ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार लेती जाए और वो इकट्ठा होता रहे दिल्ली में या राज्यों की राजधानी में, तो वो देश के लिए बहुत खराब। इसलिए वैट कानून जैसे खतरनाक नए नए जो टैक्स के कानून आ रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। व्यापारी विरोध कर रहे हैं, उद्योगपति विरोध कर रहे हैं, वो तो ठीक ही है, जनता को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा बोझ उनके सिर पे पड़ेगा। व्यापारी क्या करेगा? टैक्स लगेगा वो तो जनता से निकाल लेगा, सामान की कीमत बढ़ा देगा वो लोगों से वसूल लेगा, लोग मरेंगे। जो वस्तु आज आपको 1.25 रुपए में मिल रही है, वैट लगने के बाद वो 1.5-2 रुपए की हो जाए या 2.5-3 रुपए की हो जाए, तकलीफ तो आपको होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में
वैट का कानून आया तो गेट के लिए है, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ जो देने वाला है ये कानून, वो यही है कि समाज में जो खर्च होने वाला पैसा है उसका कमी होती जाए, सरकार के पास पैसा ज्यादा पहुंचता जाए, सरकार और निरंकुश होती जाए, और अत्याचारी होती जाए, और तकलीफ देती जाए इस देश में। चाणक्य कहता था कि राजा जितना उदार हो उतना ही कम टैक्स, और राजा जितना खराब हो उतना ही ज्यादा टैक्स। तो उसने एक परिभाषा दिया था कि भारत के किसी भी राजा को 5% से ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, कुल उत्पादन का 5%, जीडीपी का 5%। और आज हिंदुस्तान में वैट वगैरह शामिल होने के बाद जीडीपी का 25-30% का टैक्स होने जा रहा है। तो ये एक तरह का अत्याचार है। अत्याचार क्या है? आपके ऊपर ज्यादा टैक्स का लग जाना माने आपकी रियल इनकम का कम हो जाना, आपके ऊपर ज्यादा टैक्स का लग जाना माने आपके द्वारा सामानों के उपभोग में कटौती होते जाना, माने जो चीज जितनी महंगी होती जाएगी आप उसका उतना कम उपभोग करेंगे, माने अपनी जिंदगी को कसर के साथ बिताएंगे और सरकार को पैसा देते जाएंगे टैक्स। और वो कैसे कसक होती है? जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहे हैं, अब तो सरकार ने क्या किया है, वैट में दाल चावल चना मटर गेहूं, गेहूं का आटा, चने का आटा, मटर का आटा, सबको वैट पे डाल दिया। बहुत सारी चीजों पर कभी टैक्स नहीं था इनमें से, तब इतनी महंगी है कि हिंदुस्तान का हर आदमी दाल नहीं खा सकता, ये स्थिति है। अब वैट आने के बाद तो थोड़ा सा ही वर्ग है जो दाल खा सके, बाकी वर्ग तो चावल और नमक से ही अपना गुजारा करे, क्योंकि दाल में बहुत वैल्यू एडिशन होता है तो टैक्स भी बहुत बार लगेगा। तो साधारण साधारण चीजों पे टैक्स बढ़ते जाना माने उपभोग में कमी आना, उपभोग में कमी आना माने लोगों की पोषकता कम होते जाना, माने लोगों की कमजोरी बढ़ते जाना, माने लोगों के काम करने की ताकत कम होते जाना, माने लोगों का उत्पादन कम होते जाना, और अंत में नुकसान देश का। आज हिंदुस्तान में साधारण लोग जब गांव गांव घूमते हैं मेरे जैसे, तो किसानों से एक बात सुनने को मिलती है, आपने भी सुना होगा, आजकल मेहनत नहीं होती ज्यादा। कहते हैं ना किसान, पहले हम बहुत मेहनत कर लेते थे, आजकल मेहनत नहीं कर पाते। उसका उनका दर्द समझने की कोशिश करिए, उनका खाना पीना बहुत कम हो गया है, जितनी पोषकता का भोजन उनको मिलना चाहिए वो मिलना उनके लिए मुश्किल हो गया। साधारण रूप से हिंदुस्तान के 44-45 करोड़ लोग तो या तो चावल और नमक खाते हैं या तो रोटी और नमक प्याज खाते हैं, 44 करोड़ लोग इस देश माने उनको खाने में जो पोषकता चाहिए, दाल की, सब्जी की, दूध की, दही की, मट्टे की, सलाद की, वो सब खत्म हो गई है। तो मेहनत करें कैसे, हिम्मत ही नहीं होती मेहनत करने की, दूध मिलता नहीं पीने के लिए, सब दूध शहरों में चला जाता है, शहरों से डेयरियों में चला जाता है, डेयरियां दूध का पाउडर बनाती है, पाउडर से एक्सपोर्ट होने लगता है, या उस दूध से आइसक्रीम बनने लगती है, या दूध से चॉकलेट बनने लगती है, साधारण आदमी का पीने का दूध लगातार कम होता जा रहा है, साधारण आदमी की दाल की खपत हर साल कम हो रही है, सब्जी की खपत कम हो रही है, दही की खपत कम हो गई है, मट्ठे की खपत कम हो गई है। और कई बार हमको जो दिखाती है ना सरकार, भारत में दूध का उत्पादन बहुत बढ़ गया, उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है, खपत कम हो गई है, पहले लोग ज्यादा दूध पीते थे अब पी नहीं पा रहे हैं क्योंकि परचेसिंग कैपेसिटी कम हो गई, इसलिए दूध बच रहा है तो वो ज्यादा दिख रहा, वरना आबादी के हिसाब से हर आदमी को 250 ग्राम दूध रोज देना शुरू किया जाए तो 103 करोड़ की आबादी में एक बूंद दूध भी भारत में बच नहीं पाएगा। ऐसे ही दाल की खपत बहुत कम है, और ये सब इसलिए है कि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप देखो मेरे देखते देखते पिछले 10-12 सालों में 3.75 रुपए लीटर डीजल था, मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में देखा है, खरीदा है, आज वो 30 रुपए लीटर है, 7.75 रुपए लीटर का पेट्रोल था, आज 40-42 रुपए लीटर, 1.25 रुपए लीटर का मिट्टी का तेल मैं खरीदता था, आज 10-11 रुपए लीटर है, 35-40 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर मैंने खरीदा है, आज 300 रुपए का।
हर चीज महंगी महंगी महंगी, दवाएं इतनी महंगी, साधारण चीजें महंगी। महंगी होने के सबसे बड़े कारणों में है टैक्स, टैक्स और टैक्स। और दुर्भाग्य भारत का है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला देश हमारा ही है। अगर आप अमेरिका में जाएं और अमेरिका में यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करें, यूनिट माने अमेरिका का आदमी एक डॉलर कमाता है तो एक यूनिट मान लीजिए, और भारत का आदमी एक रुपया कमाता है तो एक यूनिट मान लीजिए, तो अमेरिका में 5,000 यूनिट कमाने वाला आदमी जितने ऐशो आराम की जिंदगी बिताता है उतना भारत में 5,000 यूनिट कमाने वाला आदमी नहीं बिता सकता। अमेरिका में 5,000 यूनिट कमाने वाला आदमी कार मेंटेन करता है, मोबाइल फोन मेंटेन करता है, टेलीविजन मेंटेन करता है, रेफ्रिजरेटर मेंटेन करता है, अच्छा फर्निश फ्लैट मेंटेन करता है, सिनेमा जा सकता है महीने में 3-4 बार, कपड़े लॉन्ड्री में धुलवा सकता है, प्रेस करवा सकता है, अच्छे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, ये सारे मजे ले सकता है, ऊपर से इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकता है 5,000 यूनिट कमाने वाला। और हिंदुस्तान में 5,000 यूनिट कमाने वाला बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकता, बीबी बीमार पड़ गई तो बिना कर्जे के इलाज नहीं करा सकता, कहीं ना कहीं से कर्ज लेके इलाज कराना पड़ता है, और कभी कोई आफत आ जाए महीने में तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि मैं व्यवस्था कहां से करूं। अमेरिका में क्या है, टैक्स का रेट हिंदुस्तान की तुलना में बहुत कम है, और वो टैक्स रेट कम होने का कारण है कि हिंदुस्तान में जो पेट्रोल इस समय 40-41 रुपए लीटर है, वही पेट्रोल अमेरिका में 11.25 रुपए लीटर है। हिंदुस्तान में जो डीजल 30-32 रुपए लीटर है वो अमेरिका में 8.5-9 रुपए लीटर है। हिंदुस्तान में जो एलपीजी गैस का सिलेंडर 300 रुपए का है, अमेरिका में वो 40-42 रुपए के आसपास है। डॉलर रुपए का एक्सचेंज रेट निकालने की बात बोल रहा हूं। हिंदुस्तान से अमेरिका जाना और अमेरिका से हिंदुस्तान वापस आना जितने में होता है, अमेरिका से हिंदुस्तान आना और वापस अमेरिका जाना उसके 1/10 में हो जाता है। तो अमेरिका इतना सस्ता है, खाना तो इतना सस्ता उस देश में है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कारण क्या है, टैक्सेस बहुत कम है, और अमेरिका से भी कम टैक्सेस यूरोप में है। यूरोप में एक तो देश है अद्भुत स्विट्जरलैंड, जहां मैंने कहा ना एक ही टैक्स है बैंक, बाकी कोई टैक्स ही नहीं। और आज स्विट्जरलैंड के बारे में दुनिया के लोग कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे अमीर देश है पर कैपिटा इनकम में हर तरह से। कारण क्या है, टैक्स जितने कम है समाज उतना समृद्धशाली है, टैक्स जितने ज्यादा है समाज उतना भिखारी है। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स हमारी सरकार लेती जाए, हम भिखारी होते चले जाए, सरकार अमीर होती जाए, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं। हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी। दुर्भाग्य से अंग्रेजों के आने के पहले एक ही राजा था जो हमेशा ये सोचता रहता था जनता से ज्यादा टैक्स लो, उसके अलावा कोई दूसरा राजा नहीं था। उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब की हमेशा दिली इच्छा ये रहती थी कि जनता से ज्यादा टैक्स लिया जाए, तो नए नए टैक्स लगाने की सोचता रहता। औरंगजेब के मुकाबले कोई राजा नहीं हुआ मुगल काल में भी जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने के चक्कर में हो, और मुगल काल के पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इस देश में राजाओं ने ज्यादा कभी टैक्स लिया भी हो। अंग्रेज आए तो उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया, और अंग्रेजों ने इतना ज्यादा टैक्स लिया है इस देश से कि आज तक ये देश अंग्रेजों के जाने के बाद खड़ा नहीं हो पाया। कैसे कैसे अंग्रेज टैक्स लेते थे इस देश में और कैसे कैसे इस देश को चूसते रहे हैं, 10-15 मिनट में आपको बहुत सेंसिटिव कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने लाया हूं। अंग्रेजों के टैक्स सिस्टम कैसे थे हिंदुस्तान, किस तरह से टैक्स वसूला करते थे, और उनकी थ्योरी क्या थी, उनकी फिलॉसफी क्या थी। उनकी सबसे बड़ी फिलॉसफी थी कि जनता के पास सिर्फ इतना ही पैसा रहना चाहिए जितने में वो जिंदा रह सके, सिर्फ जिंदा रह सके। एक अंग्रेजी में शब्द होता है मियर सब्सिस्टेंस, माने सिर्फ जिंदा रहने लायक लोगों के हाथ में पैसा रहे, इतना ही लोगों को होना चाहिए, बाकी सब टैक्स में ले लेना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सारा सिस्टम बनाया। दुर्भाग्य से वो सिस्टम आज तक चल रहा है। आज की भी सरकार हमारी यही सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लोगों से ले लो, छोड़ो मत उनके पास। इसका मतलब क्या है, अंग्रेज तो ये इसलिए करते थे कि भारत को कमजोर बनाना,
भारत को कमजोर बनाने, भारत की जनता को कमजोर बनाना। जनता को कमजोर बनाने का सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलो, जनता कमजोर होती जाएगी, राज्य मजबूत होता जाएगा, तो जनता राज्य पर निर्भर हो जाएगी, तो राज्य जैसे कहेगा वैसे जनता चलेगी, जितने दिन गुलामी चाहेंगे उतने दिन रहेगी भारत, ये फिलॉसफी पे वो काम करते। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमारे देश में काले अंग्रेज आए हैं, काले अंग्रेज माने ये मनमोहन सिंह, चिदंबरम और ये अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जितने भी सत्ता में है इन सबको मैं काला अंग्रेज कहता हूं। इनकी हर समय एक ही कोशिश है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स, जनता के पास कुछ मत छोड़, सब लेते हैं, कहीं भी थोड़ा हिस्सा बचा हो वहीं से टैक्स ले। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या जनता दल, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्या बीएसपी, क्या सब राजनीतिक पार्टियां जहां जहां शासन में है हर जगह उनका एक ही पॉलिसी है, जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स, ज्यादा से ज्यादा टैक्स, यही अंग्रेजों की पॉलिसी थी, ज्यादा से ज्यादा। आज हिंदुस्तान दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली देश है, जहां पर कैपिटा टैक्स हाईएस्ट पर कैपिटा, पर कैपिटा टैक्स हिंदुस्तान में इस समय 7,860 रुपए के आसपास है। अगर इसको डॉलर कैलकुलेशन करें, यूरो डॉलर कैलकुलेशन करें, ड्यूशमार्क या कोई भी दूसरी करेंसी में कैलकुलेशन करें, ये हाईएस्ट है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। और लोएस्ट टैक्स दुनिया में, पर कैपिटा लोएस्ट टैक्स जिस देश में है वो स्विट्जरलैंड है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा। अब अगर कैलकुलेशन करें तो जहां लोएस्ट टैक्स है, सबसे कम टैक्स है, वहां का आदमी सबसे ज्यादा अमीर है, और दुनिया में जहां सबसे ज्यादा टैक्स है वहां का आदमी सबसे ज्यादा गरीब। तो गरीबी का सीधा हिसाब यह है, आप जितना ज्यादा टैक्स भरेंगे गरीबी उतनी बढ़ेगी, जितना कम टैक्स भरेंगे पैसा उतना ज्यादा समाज में बचेगा, समृद्धि समाज की बढ़ेगी। तो अगर समाज को समृद्धशाली बनाना है, भारत को समृद्धशाली बनाना है, तो सरकार को दिया जाने वाला टैक्स कम से कम होना चाहिए, और अगर सरकार को दिया जाने वाला टैक्स अधिक से अधिक है तो समाज गरीब होने ही वाला है। वैसे भी टैक्स कुछ कम नहीं है हमारे यहाँ, मैंने आपसे कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस सब मिला दे तो 43 तरह के हैं, अब उसमें एक और जुड़ जाए 44वां वैट, तो वो अत्याचार ही है इस देश में। अंग्रेजों ने कुछ ऐसे ही किया था, कैसे कैसे किया था कुछ 8-10 में स्लाइड्स आपको दिखाता हूं, आप अगर पीछे बैठे हुए लोग हैं तो थोड़ा आगे आके बैठिए, आपको अगर ये समझ में आ गया तो आज ये देश क्या दिशा में जा रहा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो स्लाइड्स हैं, आप जो चाहे इधर बैठ जाएं, जो चाहे इधर बैठ जाएं, इसमें जो स्लाइड्स हैं वो अंग्रेजों की संसद से निकाली गई है, अंग्रेजों की संसद से निकाले गए दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई है। अंग्रेजों की संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में हिंदुस्तान के बारे में जितने फैसले हुए उनमें टैक्स के भी फैसले हुए, कब कितना टैक्स लेना है, कितना बढ़ाना है, कितना और बढ़ाना है, तो ये सब टैक्स के जो फैसले उन्होंने किए हैं उनसे संबंधित हैं। मेरे नहीं बल्कि हमारे एक गुरु हैं, उनका नाम है श्री धर्मपाल, 40 साल वो इस विषय पर शोध करते रहे, इसी विषय पर कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे कैसे लूटा, कैसे कैसे बर्बाद किया है। और उस शोध को करने के लिए उन्होंने जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं लंदन की पार्लियामेंट से, हाउस ऑफ कॉमन से और उनके हाउस ऑफ लॉर्ड से, उनमें से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने जाता हूं। इनको दिखाइए, मुझे मालूम नेक्स्ट, इसमें एक एक डॉक्यूमेंट की एक एक स्लाइड है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको उसका अर्थ भी सुन। नेक्स्ट हाँ देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड, IOR इस पर लिखा हुआ है, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में एक सेक्शन है उसका नाम है इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड, वहां भारत से संबंधित सारे दस्तावेज है, उनमें से ये एक दस्तावेज है प्री ब्रिटिश लैंड राइट्स इन इंडिया, माने अंग्रेजों से आने के पहले तक भूमि के अधिकार भारत में कैसे होते थे, अंग्रेजों से आने के पहले जमीन किसकी मिल्कियत होती थी,
जमीन किसकी संपत्ति होती थी, यह दस्तावेज बताता है। ये अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था। जब आए थे अंग्रेज हिंदुस्तान में तो उन्होंने 100 साल तक बहुत तरह के सर्वे कराए। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जब से शुरू हुआ तब से लेकर और 1757 तक बहुत तरह के सर्वे कराए अंग्रेजों। तो ऐसा ही एक लैंड सर्वे हुआ था अंग्रेजों के आने के पहले, भारत में जमीन किसकी है, मिल्कियत किसकी है, संपत्ति किसकी है। अंग्रेजों ने ये सारे सर्वे क्यों कराए थे, ये जानने के लिए कि भारत कैसे चलता। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि भारत कैसे चलता है तो उसको तोड़ना कैसे है वो आपके समझ में आएगा। जैसे मैं सवेरे कह रहा था ना, गैट करार अगर समझ में आए तो इसमें से बाहर कैसे निकलना ये समझ में आएगा। तो भारतीय समाज को अगर तोड़ना है, बर्बाद करना है, ये समझना हो तो भारत चल कैसे रहा है ये समझ लें तो तोड़ना समझ में आए। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो अंग्रेजों की संसद में रखा हुआ है, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड में है, प्री ब्रिटिश लैंड राइट्स इन इंडिया। एक अंग्रेज अधिकारी ने, मैंने आपसे कहा, ब्यूफो करके, वो सर्वे कर रहा है भारत में और उसने करीब 20-22 साल सर्वे किया, घूम घूम के गांव गांव में वो बता रहा है। तो उसकी रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, एक पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट्स तो ये बहुत लंबा है, एक पैराग्राफ में वो कहता है कि सनातन काल से भारत की जमीन जोतने वालों के हाथ में है। सनातन काल से माने जो हल चला रहा है वो जमीन का मालिक है, अर्थात किसान इस देश में जमीन का मालिक है, मिल्कियत किसान की है। इसी रिपोर्ट में वो आगे कहता है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों ने अपनी जमीन गांव को दे दिया है, कुछ गांव, सब में नहीं, कुछ गांव, क्या करने के लिए, उस जमीन पर जो भी उत्पादन होगा वो गांव के काम आएगा, उस व्यक्ति के नहीं, गांव के। गांव के काम कैसे आएगा, जैसे जमीन जो गांव को दान दी गई है उस पर उत्पादन होगा तो उसमें से गेहूं पैदा होगा, वो गेहूं से गुरुकुल चलाए जाएंगे, स्कूल चलाए जाएंगे, वैद्य जी का खर्चा निकलेगा, जानवरों के लिए घास चारा उस जमीन पर पैदा होगा। तो ऐसी कुछ जमीनें गांवों में छोड़ रखी है किसानों ने, वो दान दी हुई है, लेकिन जमीन है वो किसानों की है, गांव की नहीं है। जो हम कहते हैं ना ग्राम पंचायत की जमीन है, ग्राम पंचायत कहां से लाई उसको, आसमान में से, ग्राम पंचायत की कोई जमीन नहीं है, गांव ने ग्राम पंचायत को दान में दे दी है तो उस दिन से कहा जाने लगा कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है। ऐसे ही आपने सुना होगा बहुत सारे गांव में गोचर की जमीन है, गोचर, तो गोचर भूमि कहां से आई, किसानों ने छोड़ दिया गाय के लिए तो वो गोचर की जमीन हो गई, ग्राम पंचायत। मूल रूप से जमीन जो है भारत में किसानों की रही है जो जोतते रहे हैं, ये अंग्रेज अधिकारी कह रहा है। प्री ब्रिटिश लैंड राइट्स भारत में वो किसानों के पास है, फार्मर्स के पास है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अभी नेक्स्ट, नहीं ये छोड़ दीजिए, ये 3 स्लाइड लगातार छोड़ दीजिए, ये बाद में काम आएंगे, ये ब्रिटेन के बाद, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ अब देखिए ये बात समझ में आई, अंग्रेजों का सर्वे बता रहा है कि हिंदुस्तान में जमीन सनातन काल से किसानों की रही है। अब अंग्रेजों की संसद में ये रिपोर्ट आ गई, ये रिपोर्ट आई तो इस पर बहस हुई है और ये बहस सन 1812 में हुई है। 1812 में लंदन की पार्लियामेंट में बहस हो रही है और इसी विषय पर हो रही है कि चूंकि हिंदुस्तान की जमीन उनके किसानों की है, उनकी मिल्कियत है, तो अब हमें हिंदुस्तान को तोड़ना है, तो किसानों को बर्बाद करना है, तो क्या करना है। तो संसद में प्रस्ताव पारित हुआ 1812 में कि ये जमीन किसानों से छीन ली जाए और उनकी मिल्कियत जमीन पर समाप्त कर दी जाए और किसानों को किसानों की जमीन पर किराएदार बना दिया जाए और इसके लिए कानून बनाया जाए। तो ब्रिटेन में जब ये बहस हो रही है और प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसका टाइटल है प्रस्ताव का, इंडियन पीजेंट कुड एस्टेब्लिश नो मोर राइट ऑन लैंड देन ए टेनेंट इन इंग्लैंड। इंडियन पीजेंट माने भारत का किसान, अपनी जमीन पर इससे ज्यादा कोई अधिकार नहीं रख सकता है जितना इंग्लैंड का एक किराएदार रखता है। इंग्लैंड में क्या होता है ये समझ लीजिए जरा, भारत में जब सनातन काल से जमीन किसानों की रही है उसी समय में इंग्लैंड में जमीन राजा की रही है, सनातन काल से राजा जब से हुआ है जमीन उसकी है,
वो किसानों को जमीन पर खेती करने का अधिकार देता है, बदले में उनसे हर्जाना लेता है, मेहनताना लेता है। जमीन राजा की है, किसान उस पर किराएदार की हैसियत से काम करते हैं। इंग्लैंड की यह व्यवस्था है। इंग्लैंड में जमीन के मालिक बहुत कम लोग होते हैं, और जो होते हैं उनको लैंडलॉर्ड कहा जाता है, जमींदार, वो बहुत ही थोड़े हैं, समाज में शायद 1%। भारत में हर व्यक्ति लैंडलॉर्ड है, क्योंकि यहां तो जमीन का मालिक किसान ही है, वहां तो लैंडलॉर्ड बहुत थोड़े से हैं। तो राजा है, उसके पास पूरी जमीन। तो ये संसद कह रही है इंग्लैंड की कि भारत में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि भारत का हर किसान इंग्लैंड में जैसे किराएदार रहता है वैसी स्थिति में आ जाए। तो ये प्रस्ताव 1812 में पारित हुआ। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, आपने सुना है। और दुर्भाग्य से ये कानून अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस देश में चल रहा है। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट उन्होंने बनाया क्या करने के लिए? जमीन छीनने के लिए। लैंड एक्वायर करो किन से? जो जमीन के मालिक हैं। तो कानून लगा के जमीन छीनना शुरू किया अंग्रेजों, और जब कानून बना के जमीन छीनना अंग्रेजों ने शुरू किया, तभी अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह पर लड़ाइयां हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से जो युद्ध है वो इसी सवाल पर है। या उदयपुर के महाराणा, जोधपुर के राजा, जैसलमेर के राजा, इनका जो युद्ध है अंग्रेजों से वो यही जमीन के अधिकार पर। दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, हर जगह अंग्रेज जमीन छीन रहे हैं। और जमीन छीनने वाले जो सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी रहे हैं उनमें से एक है डलहौजी। डलहौजी ने ये कानून बनवाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो ये कह रहा है कि भारत के किसानों को किराएदार की हैसियत में ले आओ, जमीन की मिल्कियत सरकार की हो, वो हमारी दया पर खेत में काम करे। तो क्या होगा? ये भारतीय समाज पूरा टूट जाएगा। तो उन्होंने एक कानून बनाकर पूरे समाज की जड़ काट दी, लैंड एक्विजिशन एक्ट। और जिस दिन से ये कानून बना उस दिन से सारी जमीन किसानों के हाथ से निकलकर सरकार के हाथ में जाने लगी। आज आप जानते हैं हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जमीन भारत सरकार के कब्जे में है, जो अंग्रेजों की सरकार देकर गई है, सबसे ज्यादा जमीन भारत सरकार के कब्जे। और जगह जगह लिखा रहता है ना, ये सरकारी संपत्ति है, अनाधिकृत प्रवेश ना करें, लिखा रहता है जगह जगह। वो वास्तव में लोगों की संपत्ति है जो सरकार ने छीन ली है, सरकार के आसमान में से जमीन बना के लाई, जमीन लोगों की है। जगह जगह लिखा रहता है ना, ये रेलवे की संपत्ति है, कृपया इसका एनेक्सिंग ना करें, छीनना। रेलवे कहां से लाई है संपत्ति? किसानों की जमीन है वो, सरकार ने छीनी, रेलवे को दे दी, रेलवे ने उस पर पटरियां बिछा दिया, पटरियां बिछ गई तो अब संपत्ति रेलवे की हो गई। सरकार ने जमीन छीनी, सड़क बना दिया, सड़क बना दिया तो अब संपत्ति सरकार की हो गई। तो ऐसे जमीनें छीनी गई है इस देश। तो पहले अंग्रेजों ने सर्वे करा लिया, कैसी है जमीन, किसकी संपत्ति है, पता चल गया सनातन काल से किसानों की है। तो उन्होंने कहा यही चोट करो, तो किसानों से छीनकर सरकार के हाथ में देना शुरू किया। उसी दिन से हिंदुस्तान बर्बाद होना शुरू हुआ। अंग्रेजों से पहले मुगल जितने भी राजा आए, किसी ने किसानों की जमीन नहीं छीनी। जमीन पे उगने वाले वस्तु से थोड़ा टैक्स लिया, जमीन कभी नहीं छीनी किसी की। अंग्रेजों ने तो सीधे जमीन ही छीन लिया इस देश के किसानों की, और एक दो एकड़ नहीं, लाखों करोड़ों एकड़ वो जमीन फिर धीरे धीरे जंगल, जंगल अंग्रेजों के हो गए, सरकार के हो गए। आज जितने भी जंगल है ना, सरकार की संपत्ति है। क्या सरकार ने लगाए ये जंगल? जितनी भी नदियां हैं वो सरकार की संपत्ति है। क्या नदियां सरकार ने बनाई है हिंदुस्तान में? जितने भी तालाब है सरकार की संपत्ति है। क्या तालाब सरकार ने बांधे हैं इस देश में? जितनी भी कच्ची सड़कें हैं वो सब सरकार की संपत्ति है। कच्ची सड़कें सरकार ने बनाई है, किसानों ने बनाई है। तो ये जो सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति आज इस्तेमाल होता है शब्द, ये अंग्रेजों द्वारा दिए गए एक कानून का दुष्परिणाम है। और वो कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट। और दुख इस बात का है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए तो ये कानून चला जाना चाहिए था, वो कानून आज तक इस देश में चल रहा है।
और इतना ज्यादा ड्रेकोनियन है वो कानून कि जिस दिन सरकार चाहे आपकी जमीन छीन सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते सरकार। और अंग्रेज ऐसी व्यवस्था करके गए हैं कि इस कानून को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लैंड एक्विजिशन एक्ट को। अगर मान लीजिए कल को छत्तीसगढ़ की सरकार ये फैसला करे कि ये अग्रसेन भवन में दारू का एक कारखाना बनेगा, तो अग्रसेन भवन जिनके हाथ में है वो उन्हें देना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट। दारू का कारखाना पब्लिक इंटरेस्ट में ही है उनके परिभाषा में। तो यह दारू का कारखाना बनेगा तो इसको तोड़ के सरकार दारू का कारखाना बनाएगी, आप कितना भी विरोध करिए आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप अदालत में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कर दीजिए, केस हार जाएंगे आप। लैंड एक्विजिशन के सभी केस जनता हारती है क्योंकि कानून ऐसा बना। और सरकार का इंटरेस्ट क्या है, दारू बने बिके तो दारू बेचने वालों से चुनाव में चंदा मिले, ये उनका सीधा इंटरेस्ट है, उसको वो पब्लिक इंटरेस्ट बना देते हैं। तो दारू के कारखाने यहां खुल सकते हैं, जुए का अड्डा यहां बन सकता है, वैश्या घर सरकार यहां खुलवा सकती है, कुछ भी यहां लॉटरी घर चलवा सकती है, ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में। सरकार आपकी जमीन कभी भी छीन सकती है और आपको देनी पड़ेगी। गांव के गांव खाली कर लिए जाते हैं, आजकल हो रहा है ना, आप परेशान है, स्पॉन्ज आयरन की जगह जगह फैक्ट्रियां लग रही हैं, जबरदस्ती जमीनें छीनी जा रही हैं, किसान न देने को तैयार हो तो भी देना पड़ रहा है क्योंकि विकास के नाम। तो अंग्रेज तय करके गए हैं कि विकास यही होता है जो सरकार करती है, जनता करे वो विकास नहीं होता। जनता अगर किसी जमीन पर चावल पैदा करती है, गेहूं पैदा करती है, देश को खिलाती है, ये विकास नहीं है। चावल गेहूं बंद करके वहां दारू बनाना शुरू हो जाए तो विकास हो गया है। तो ये परिभाषा तय हुई 1812 से, दुर्भाग्य से 2005 में भी यही कानून चल रहा है। तो जब तक जमीन की मिल्कियत इस देश में किसानों को वापस नहीं दी जाती, तब तक नक्सलवादी आंदोलन को इस देश में कोई खत्म नहीं कर सकता। हर सरकार परेशान है, नक्सलवादी यही सवाल उठा रहे। बस इतना फर्क है कि मैं उसको सभ्य भाषा में कह रहा हूं, वो उसी सवाल को हल करने के लिए ऊपर से गर्दनें काट रहे हैं। वो यही सवाल उठा रहे, वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों से पहले सारी जमीनें किसानों की थी, तो अंग्रेजों के जाने के बाद वो वापस मिलनी चाहिए किसानों को, वो आज तक वापस नहीं मिल रही है, इसलिए वो आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन में वो अधिकारियों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। मैं सभ्य भाषा में कह रहा हूं, बात वही है। और इतना ही अंतर है कि वो ये दस्तावेज नहीं दिखा पाते, लेकिन सत्य वो कह रहे हैं। दस्तावेज यही है जिसके आधार पर हिंदुस्तान की जमीनें छीनी गई। नेक्स्ट, ये एक दस्तावेज है, ऐसे ही। अब देखिए इसके आगे, ए कॉन्क्वेस्ट कन्वेज द राइट ऑफ चेंजिंग इंस्टीट्यूशंस। ये एक अंग्रेज है, फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। ये अंग्रेज है, 1776 में हिंदुस्तान का बड़ा भारी अधिकारी है, जैसे गवर्नर रैंक के अधिकारी होते हैं ना, वैसा फिलिप फ्रांसिस। ये बता रहा है कि एक बार हम किसी देश को जीत लें तो उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाती है। तो हमने भारत को जीत लिया, अब भारत की सारी संपत्ति हमारी है, हम जैसा चाहें वैसा करें। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाने का जो तर्क है वो फिलिप फ्रांसिस ने दिया है कि हमने चूंकि भारत को जीत लिया है, अब भारत का सब कुछ हमारा है, हम जैसे चाहें वैसा उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब जरा कल्पना करिए कि इंग्लैंड की तो ये तर्क है कि हमने जिस देश को जीत लिया उसकी सारी संपत्ति हमारी है, भारत में क्या तर्क रहा है? भारत में ये तर्क रहा है कि भारत में भी पहले चक्रवर्ती राजा हुए, ठीक है, राम भी चक्रवर्ती हुए, भरत भी चक्रवर्ती हुए, अशोक भी चक्रवर्ती हुआ, हर्षवर्धन भी चक्रवर्ती हुआ। तो भारत में ये रहा है कि चक्रवर्ती राजाओं ने किसी को अगर जीत लिया तो जीतने के बाद वो राज्य वापस उसको दे दिया कि तुम ही चलाओ मेरे नाम से, माने वो लेके नहीं गया अपने साथ। हमारे यहां चक्रवर्ती राजा भी राज्य जीतने के बाद संपत्ति का अधिकारी नहीं है, वो वापस संपत्ति उसको दे देता है, बस वो कहता है मेरा रिकग्निशन कर लो तुम कि चक्रवर्ती तो मैं हूं, तुम मेरे नीचे हो, बाकी कुछ लेके नहीं जाता वहां से। तो भारत में जो राजा है वो इस तरह के हैं, और इंग्लैंड के जो राजा हैं वो सब कुछ छीन लेने वाले हैं। तो हमारे यहां भी थोड़े दिन राजाशाही रही है, इंग्लैंड में भी रही, दोनों में अंतर क्या है वो समझना चाहिए। हमारा चक्रवर्ती राजा किसी को भी जीत लेने के बाद उसको मारता नहीं,
खत्म करता नहीं, उसकी संपत्ति अपने कब्जे में लेता नहीं, वापस उसको दे देता है राज्य करने के लिए। राम ने लंका जीती, क्या उसको अयोध्या में मिलाया? नहीं। किसको दे दिया? विभीषण को। विभीषण ने लंका चलाई, ठीक है। यही हमारे यहां परंपरा है कि जीतने के बाद भी अपने में नहीं मिलाना, उनके ही किसी को राजा बना के बिठाना है। और इंग्लैंड में जीतने के बाद सब कुछ छीन लेना है, उनके किसी को कुछ नहीं देना है। ये जमीन आसमान के अंतर है। तो फिलिप फ्रांसिस कह रहा है कि जब कॉन्क्वेस्ट कर लिया हमने तो सब कुछ हमारा हो गया, अब हम जैसे चाहें वैसे करें। नेक्स्ट, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। ये है इन कनाडा रीजन टिल मिड 18th सेंचुरी, जरा ध्यान से सुनिएगा, लैंड टैक्स इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पैडी सीड सोन बट पेड इन वॉल्यूम ऑफ राइस। मिड 18th सेंचुरी माने 18वीं शताब्दी के मध्य तक, कनाडा रीजन माने कर्नाटक, 18वीं शताब्दी के मध्य तक कर्नाटक में किसानों के ऊपर टैक्स कितना है? जितना बीज बोया उसमें से जितना चावल पैदा हुआ वो पूरा चावल टैक्स में देना है। बीज के मुकाबले उत्पन्न चावल जो वॉल्यूम में है वो आपको पे करना है। मान लीजिए एक क्विंटल बीज डाला, चावल हो गया 100 क्विंटल, तो 100 क्विंटल आपको कर्ज ब्याज उसमें देना टैक्स। कनाडा रीजन माने कर्नाटक। कर्नाटक को अंग्रेज कनाडा कहते थे क्योंकि उनको कर्नाटक बोलने में तकलीफ आती थी, और कर्नाटक को दो हिस्सों में बांटा था, नॉर्थ कनाडा साउथ कनाडा, नॉर्थ कर्नाटक साउथ कर्नाटक आज वो कहलाता है। कनाडा रीजन में 18वीं शताब्दी के मध्य में ये टैक्स उन्होंने लगाया किसानों पर कि आप जो बीज बो रहे हैं उसमें से जो पैदा हो रहा है राइस वॉल्यूम में आप पे करिए, उत्पादन वॉल्यूम में दीजिए। इतना भयंकर टैक्स, माने जो पैदा करो पूरा दे दो टैक्स, फिर आप खाने के लिए। तो इसके आगे एक डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें अंग्रेज अधिकारी कह रहा है कि तुमको जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना ले लो इसमें से, माने तुम मरो नहीं, बस इतना ले लो, बाकी सब हमारा है, टैक्स इतना है। नेक्स्ट, इसके बाद परिणाम क्या हुए हैं? नेक्स्ट 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 आपने एक मिनट ये पीछे 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 और ने आगे जा रहा है। हाँ, बस अब इसके बाद तीन स्लाइड छोड़ के, 1 2 3। हाँ, लैंड द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल पेड इन मैनी केसेस। अंग्रेजों के आने के पहले, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, त्रावणकोर रीजन का है, सिक्स नंबर। त्रावणकोर रीजन में अंग्रेजों के आने के पहले का ये एक दस्तावेज है कि कोई भी राजा कितना टैक्स ले रहा है तो टोटल प्रोड्यूस के 5% से ज्यादा कोई राजा टैक्स नहीं लेता इस देश में, और त्रावणकोर का यह डॉक्यूमेंट मिला है तो इसलिए यहां पर डाला है। अंग्रेज ने क्या किया है कि जितना पैदा हो रहा है पूरा टैक्स में दे दो आप, और अंग्रेजों के आने से पहले सिर्फ 5% टैक्स है। तो परिणाम क्या है? नेक्स्ट, इससे आगे इंडियन पीजेंट्स, अब जब इतना टैक्स लगाया जाएगा तो परिणाम क्या निकलेगा? दो परिणाम निकलेंगे, किसान मरेंगे क्योंकि पूरा उत्पादन टैक्स में देना पड़ेगा। तो किसान क्या करने लगे इस देश में कि जब आप पूरा उत्पादन टैक्स में ही दो तो उत्पादन ही मत करो, खेती ही मत करो। तो किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, और किसानों ने जब खेती करना छोड़ दिया तो वो जमीन सैकड़ों साल बिना खेती के पड़ी रही, और वही जमीन ऊसर और बंजर हो गई जो आज हमारी आंखों के सामने पड़ी। अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में 1 स्क्वायर इंच भी ऊसर नहीं था, बंजर नहीं था, ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड है, एक भी जमीन ऊसर बंजर नहीं थी इस देश में, हर जमीन पर उत्पादन होता था। अंग्रेजों ने जब ये टैक्स कानून बनाया तब जमीन किसानों ने छोड़ना शुरू किया, क्योंकि आप उत्पादन करो तो टैक्स भरो, उत्पादन ही मत करो तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
तो जमीन छोड़ना शुरू किया, और जमीन छोड़ना शुरू किया तभी से किसानों में गरीबी भुखमरी आना शुरू हुई, और इसके परिणाम 50 साल बाद इतने निकले कि 1 करोड़ किसान भूख से मर गए इस देश में 19वीं शताब्दी की शुरुआत। इतना भयंकर इस देश में भुखमरी हुई। फिर अंग्रेजों के जमाने में जितने भूकंप आए वो सॉरी भुखमरी हुई है वो बारिश नहीं होने से नहीं हुई, बारिश तो भरपूर होती थी, ऐसा नहीं था कि अकाल पड़ा तो बारिश नहीं आई, इसलिए अकाल भुखमरी इसलिए हुई कि जमीनें छोड़ दी, किसानों ने उत्पादन ही नहीं किया 50 साल 60 साल 70 साल, तो भुखमरी की हालत आई। तब एक अंग्रेज अधिकारी आया है और भारत में घूम रहा है 50 साल के बाद, तो वो लिख रहा है अपने एक पत्र में, वो जज है, अंग्रेज जज है, वो लिख रहा है इंडियन पीजेंट्स आर वेटिंग सिंस लॉन्ग फॉर जस्टिस, न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं भारत के किसान। न्याय क्या? जब कोई दूसरी सरकार आए जो इनकी जमीनें वापस दिलाए, इनके ऊपर टैक्स के कानून हटाए, इसके इंतजार में सालों से बैठे हैं भारत के किसान। ये एक अंग्रेज अधिकारी है, जस्टिस लैंस्टर है, बहुत बहुत बड़ा न्यायविद माना जाता है लंदन का, बहुत बड़ा जज रहा है, उसका ये एक जजमेंट में उसने लिखा है, वो घूमा है कनाडा रीजन में, और वो कहता है कि मैं आंखों से आंसू रोता हूं, खून के आंसू रोता हूं, मैं देख नहीं पाया हिंदुस्तान के किसानों की इतनी बड़ी दुर्दशा की है हमारी सरकार ने, वो अपनी सरकार को ही गाली दे रहा है इस जजमेंट, और भारत के किसान सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले, न्याय मिले माने उनकी जमीनें उनको वापस मिले, और उनको टैक्स जो इतना ज्यादा लगा हुआ है ये हटा दिया जाए। नेक्स्ट। अब देखिए बहुत सुंदर एक वो है, ये एक अंग्रेज अधिकारी है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। इंडिया बिकेम लॉलेस फ्रॉम द मोमेंट शी पास्ड अंडर अवर गवर्नमेंट। 1773 में ये लॉर्ड नॉर्थ करके एक अधिकारी है, इंग्लैंड का है, वो मिनिस्टर रहा है, वो ब्रिटिश म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम को जो म्यूजियम का मंत्री होता वैसा मंत्री है, तो 1773 में 24/4/1773 को ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो एड्रेस कर रहा है, भाषण दे रहा है, और वो कह रहा है कि जिस दिन से भारत हमारे कब्जे में आया है उसी दिन से भारत लॉलेस माने कानून विहीन हो गया है, जबकि अंग्रेज कहते रहे हैं कि हम भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आए हैं। आपने सुना हर अंग्रेज अधिकारी कहता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से वही अंग्रेजों के शब्द को आज के नेता दोहराते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। वो अंग्रेज कह रहा है कि जिस दिन से भारत हमारे कब्जे में आया उसी दिन से लॉलेस हो गया, उसी दिन से कानून और न्याय तो यहां खत्म ही हो गया, वो खुद स्वीकार कर रहा। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए, जमीन सब छीन लिया तो बचा क्या। नेक्स्ट। अभी देखिए ये बहुत सुंदर एक ये डॉक्यूमेंट है। अंग्रेज क्या करते हैं, जमीन छीन लिया किसानों से, टैक्स भयंकर लगा दिए, अब क्या कर रहे हैं, वो भारत के राज्यों में वो जाते हैं, राज्यों से मतलब अनेक अनेक शहरों में, और वहां के राजाओं को सूचना भेजते हैं कि देखो हम सोमवार को आएंगे, इतना पैसा हमको चाहिए, सीधे हम सोमवार को आएंगे, 30 करोड़ रुपया चाहिए, आप इकट्ठा करके रखना, नहीं तो हम आपके नगर के लोगों को लूटेंगे। ये दादागिरी उन्होंने शुरू किया, फौज बना के सीधे, जैसे आजकल होता है ना कपूरी किस्म के जो गुंडे हैं बंबई में, दाऊद इब्राहिम है और वो पता नहीं छोटा राजन बड़ा राजन भाई सलीम और क्या क्या है, वो सीधे चिट्ठी भेज देते हैं, भैया इतना भिजवा दो नहीं तो उठा लेंगे तुमको, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चों को मारेंगे पीटे। वैसे ही अंग्रेज करते हैं, बाकायदा राजाओं को चिट्ठियां भेजते हैं कि हम 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद आपके यहां आएंगे, 30 करोड़ रुपए रखना तैयार, या 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखना, या 30 करोड़ चांदी की मुद्राएं रखना, अगर नहीं रखा तो आपके लोगों को लूटेंगे। तो ये दस्तावेज है, लार्ज सम ऑफ मनी इन लीव ऑफ प्लंडर ऑफ सिटीज माने शहरों को लूटने के बदले में भयंकर धन इकट्ठा किया अंग्रेजों ने इस देश में, और वो धन सीधे इंग्लैंड गया।
और ये एक नहीं 50,000 अंग्रेज अफसरों ने 250 साल ये किया इस देश में, 50,000 जो यहां मौका मिला वही लूटने चला गया, या तो दे दो नहीं तो मैं शहर लूटता। और लूटने में क्या क्या आता है, कुछ भी, आपकी पत्नी को लूट सकते हैं, बेटी को लूट सकते हैं, बच्ची को लूट सकते हैं, सोना चांदी तो लूटेंगे ही आपके घर से, और कुछ भी कुछ लूट के ले जा सकते। नेक्स्ट देखिए, ये टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने हराया। जब पहले एक बार तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया, टीपू सुल्तान के पहले हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, फिर टीपू सुल्तान अंत में अंग्रेजों से हारा। तो अंग्रेज जब हार गए, मानी टीपू सुल्तान जब हार गया तो टीपू सुल्तान को इन्होंने मरवा दिया, और टीपू सुल्तान ने जब अंग्रेजों को हराया तो उसने किसी को नहीं मरवाया, उसने सबको छोड़ दिया। तो जब टीपू सुल्तान हार गया और उसको मरवा दिया तो उसके महल को लूटा अंग्रेजों ने, महल को लूटा टीपू सुल्तान। तो कितना लूट कर ले गए उसके महल में से, उसके ये डेटा है। सिर्फ अकेले टीपू सुल्तान के महल में से उन्होंने जो संपत्ति लूटी है 4,71,014 British sterling pound, 4,71,014 British sterling pound, आज एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड 86 रुपए का है। उस जमाने में अकेले टीपू सुल्तान के महल में से इतना उन्होंने लूटा है। और ये जो लूट उन्होंने की है इसमें से कमीशन बांटा किनको, जिन अधिकारियों ने लूटने में मदद की, तो हाँ कमीशन बांटा गया 22,779 sterling pound। तो नेट जो बचा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेज दिया उन्होंने, तो नेट जो भेजा 4,55,581 sterling pound, इतना उन्होंने खाली टीपू सुल्तान के महल से लूट कर भेजा। पूरे राज्य की बात नहीं हो रही है, सिर्फ टीपू सुल्तान का महल। और ये जो है ना वो कैश है, काइंस में क्या है उसका कोई हिसाब नहीं, ये तो कैश। काइंस में क्या क्या है, आपने थोड़े दिन पहले सुना टीपू सुल्तान की तलवार जो अंग्रेज उठा ले गए थे, उसको अभी विजय माल्या नाम का एक भारतीय सांसद है जो दारू का धंधा करता है, वो वापस लेके आया एक तलवार। तो वो तलवार म्यूजियम में से लाया, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में ऑक्शन हो रही थी, तो उसको पता चला ये टीपू सुल्तान की तलवार है, तो वो ले आया। तो कितने की है, 49,000 pound की तलवार है, माने 86 का गुणा कर लो उसमें, तो एक तलवार वो ले आया। तलवार में खासियत क्या है, उसकी मूठ जो है ना सोने की है और हीरे जड़े हुए हैं उसमें। आगे की तलवार तो जो है वैसी है, पकड़ने वाला हिस्सा सोने का है, हीरे जड़े हुए हैं। और ऐसी मैंने उससे पूछा था विजय माल्या से कितनी तलवार है, उन्होंने कहा सैकड़ों में, काइंस में तो कितना है कुछ कल्पना नहीं। कभी कभी आप अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें एक आध खबर आ जाती है कि लंदन में सरकार ने, उनकी एक संस्था है उसका नाम है सुदेवी, सुदेवी नाम की संस्था ने भारत का सामान नीलाम किया, भारत का सामान माने जो लूट कर यहां से वो ले गए। तो अभी थोड़े दिन पहले एक कप और एक प्लेट नीलाम हुआ था, टीपू सुल्तान के खजाने में से ले जाया गया कप और प्लेट, अभी 6-8 महीने हो गए, सभी अखबारों में फ्रंट पेज पे आया था, दैनिक भास्कर में उसकी फोटो भी आई थी कप और प्लेट की। तो कप प्लेट नीलाम हुआ 3.5 lakh sterling pound में, कप और प्लेट, कप के चारों तरफ हीरे जड़े हुए हैं, प्लेट में नीचे हीरे लगे हुए, 3.5 lakh। और आप जरा कल्पना करो कि अगर कपलेट इस कीमत के हैं तो वो कोहिनूर हीरा जो उनके पास आज तक है, और कोहिनूर हीरे जैसे सैकड़ों हजारों हीरे जो उनके खजाने में है, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये सब यहां से लूट लूट के ले। क्यों, क्योंकि वो मानते हैं कि हमने कॉन्क्वेस्ट किया तो आपका सब कुछ हमारा हो गया, आपको जीत लिया तो सब कुछ आपका हमारा हो गया। ये जो फिलॉसफी है कॉन्क्वेस्ट की, ये सबसे खतरनाक, आपके ऊपर हम चढ़ बैठे अब तो आपका सब हमारा। तो ऐसे ऐसे लूट, नेक्स्ट इसमें ऐसे ही और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 1761 का एक दस्तावेज है, बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तागोंग करके, अभी ये डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में चला गया बंटवारे के बाद।
तो वहां का अधिकारी बोल रहा है कि जिस जमीन पर पहले एक रुपया अधिक से अधिक टैक्स दिया है भारत के किसानों ने अपने राजाओं को, उस जमीन पर हमने आने से ही 5 रुपए टैक्स कर दिया, 5 गुना आते ही। जिस पर 1 रुपए टैक्स देते थे अब 5 रुपए दे रहे हैं, माने 500% टैक्स इंक्रीज एक साल में, एक झटके में। नेक्स्ट, फॉर्मर कलेक्शन ऑफ दिनाजपुर, दिनाजपुर एक इलाका है बंगाल में, वो एक तालुका है, वहां से कलेक्शन कितना कर रहे हैं भारत में, अधिक से अधिक दिनाजपुर से कभी कलेक्शन इकट्ठा किया गया 11 से 12 लाख रुपए, उसी दिनाजपुर से अंग्रेजों ने एक साल के अंदर 78 लाख रुपए इकट्ठा करना शुरू कर दिया टैक्स के रूप, माने 7 से 8 गुना। अब इतना ज्यादा आपसे लूटा जाएगा तो क्या होने वाला है, समाज तो खत्म होने वाला है। तो इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी जो आज हमारे देश में दिखाई देती है वो इस लूट के कारण है, ना कि कोई दैवीय प्रकोप के कारण, ना तो कोई दैवीय आपत्ति के कारण। और ये सारी लूट की व्यवस्था टैक्स के माध्यम से हुई है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। माने जितना ज्यादा टैक्स लोगे जनता से, जनता उतनी गरीब होती चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत अच्छा अंग्रेज अधिकारी है, बहुत कम ऐसे अधिकारी हुए हैं, ड्यूक्रेल करके एक अधिकारी है, वो ये कह रहा है कि भारत में पहले जो राजा होते थे वो टैक्स लेते थे, लेकिन उस टैक्स को लोगों के ऊपर ही खर्च करते थे, तो लोगों का पैसा लोगों को वापस मिल जाता, राजा के पास कुछ नहीं जाता। आप इसको ध्यान दीजिए, राजा ने टैक्स लिया आपके ऊपर वापस खर्च कर दिया। कैसे? कुंभ का मेला लगाया, जैसे हर्षवर्धन की कहानी आप सबने सुनी, 5 साल टैक्स इकट्ठा करता था, जितना पैसा आता था वो सब कुंभ के मेले में खत्म करता था, खर्च करता था, और कुंभ के मेले में खर्च करने के बाद फिर जीरो करता था अपने खजाने को, फिर नए सिरे से टैक्स इकट्ठा करता था, फिर अगले कुंभ में खर्च करता था। तो लोगों से लिया हुआ पैसा लोगों पे ही खर्च करना, इसका माने लोगों का पैसा लोगों के पास वापस आ गया, माने गया कुछ नहीं उनके यहां से। तो अंग्रेज कह रहे हैं कि हमसे पहले भारत में जो राजा आते थे वो जितना टैक्स लेते थे वो भारत के लोगों पे ही खर्च करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन भेजना शुरू कर दिया। तो इकट्ठा यहां से होता था, खर्चा लंदन पे होता था, तो लंदन समृद्धशाली हुआ, भारत गरीब हो गया। नेक्स्ट, बंगाल में 1775 में ब्रिटिश इंक्रीज लैंड टैक्स फोरफोल्ड, 4 गुना बढ़ा दिया एक साल में। ये रॉबर्ट क्लाइव जब से आया बंगाल में उसी समय से 4 गुना टैक्स कर दिया किसानों ने। नेक्स्ट देखिए, बहुत सुंदर ये स्टेटमेंट है, एक अंग्रेज अधिकारी है वॉरेन हेस्टिंग्स, उसका नाम आप सब जानते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड की संसद में भाषण दे रहा है, क्या कह रहा है, पॉपुलर्स एंड ऑपुलेंट बंगाल बिकम्स इम्पॉवरिश्ड इन 15 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। पॉपुलर्स माने जनसंख्या के स्तर पर बहुत बड़ा, उसको पॉपुलर्स कहते हैं। ऑपुलेंट माने समृद्धशाली, जनसंख्या के रूप में और समृद्धि के रूप में भारत का सबसे संपन्नशाली राज्य हमारे 15 साल के शासन में भयंकर गरीब और भुखमरी का शिकार हो गया, वो खुद स्वीकार कर रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स, वो भाषण दे रहा है लंदन। कह रहा हमने 15 साल में इतना लूट लिया बंगाल को कि ये पूरा भिखारी और कंगाल हो गया मात्र 15 साल, जो कि आज से थोड़े दिन पहले बहुत समृद्धशाली होता था, इतना टैक्स हमने लूटा है इससे। तो इसको शाबाशी मिली वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो उसको कहा गया कि तुम कोई ऐसी स्थायी व्यवस्था करो कि ये लूट इसी तरह से चलती रहे। तो उसने एक स्थायी बंदोबस्त कर दिया इस देश में, जिसको आज हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत क्रांतिकारी था, स्थायी भूमि बंदोबस्त यहां करके चला गया। पढ़ते हैं ना बचपन में स्थायी भूमि बंदोबस्त, वो यही स्थायी बंदोबस्त है कि लूट की व्यवस्था बदस्तूर चलती रहे, ऐसी कोई परमानेंट व्यवस्था करो, वॉरेन हेस्टिंग्स ने वही किया। नेक्स्ट,
अच्छा ये अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये क्या है कि जब वो टैक्स वसूलते थे और कोई टैक्स नहीं देता था तो पेनल्टीज क्या है। आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, देख लिया कितना लगा दिया, आप नहीं भरे तो दंड कितना है। तो दंड के ये दस्तावेज है, दंड कितना है, 50 कोड़े मारे जाए आपको, दंड सबसे न्यूनतम दंड 50 कोड़े, और कोड़ों में लोहे के कीले लगे हुए, साधारण कोड़ा नहीं लोहे के कील लगे। तो सामान्य रूप से इस दस्तावेज में यह कहानी बताई गई है कि 5 या 6 कोड़े खाने के बाद ही आदमी बेहोश हो जाता है, 50 तो पढ़ना मुश्किल ही है। तो बेहोश हो गया तो उसको अंग्रेज छोड़ते थे, फिर होश में आने के बाद बाकी 45 कोड़े मारते थे, ये चलता था। अत्याचार की इंतहा हुई है इस देश में। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर रीड करके एक अंग्रेज अधिकारी है, वो बता रहा है भारत में कि हमने जो कोड़े मारे हैं और उसमें से जो तकलीफें हुई हैं। नेक्स्ट, इसको छोड़िए, वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट 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 हाँ देखिए, अब ये एक अंग्रेज अधिकारी है, वो अंग्रेज संसद में कह रहा है, कैप्टन थॉमस मुनरो करके है जो बाद में भारत का गवर्नर बना है, वो कह रहा है कि हम अंग्रेजों के किसानों की स्थिति के बारे में बता रहा है कि इंग्लैंड में किसी भी किसान को कुल उत्पादन का 20% से ज्यादा नहीं दिया जाता। किसान अगर खेती करता है, खेती अंग्रेजों की है, किसान उस पर मजदूरी करता है, तो मजदूरी जो करने वाला किसान है उसको कभी भी कुल उत्पादन का 20% से ज्यादा नहीं दिया जाता। और वो कह रहा है कि इतना ही उसके जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है, इसलिए हम नहीं देते उससे ज्यादा। तो भारत में भी उन्होंने क्या किया है, इसी तरह के कानून बनाए हैं कि मजदूरों को उतना ही मिलना चाहिए जितना उनके जिंदा रहने के लिए काफी है। इसलिए आज भी हिंदुस्तान के मजदूर को एक दिन में 60-70 रुपए 80 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता, वो नियम अंग्रेजों के जमाने से चला आया। आज जो हम बात करते हैं ना, हिंदुस्तान के मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है, दिन में 80 रुपए 83 रुपए, ये 1793 से चला आ रहा नियम है। मजदूरों को उससे ज्यादा मिलना ही नहीं चाहिए जितने में वो जिंदा रह सकते हैं। तो उन्होंने हिसाब जोड़ लिया, एक मजदूर दिन में अगर 500 रुपए का काम करे तो 100 रुपए से ज्यादा उसको नहीं मिलना चाहिए, यह है नियम 20%। अगर 1000 रुपए का काम करे तो 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए उसको एक दिन। तो उसी के हिसाब से यहां मजदूरी की दरें फिक्स की गई हैं भारत में, और उन्हीं मजदूरी की दरों के आधार पर किसानों के द्वारा उत्पादन किए हुए वस्तुओं का सपोर्ट प्राइस तय होता है आज भी इस देश में। और इसलिए इस देश का मजदूर और किसान भयंकर गरीबी में है। और यही फॉर्मूला सर्विस क्लास पे लागू नहीं होता। सर्विस क्लास माने बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, प्रोफेसर हैं, टेलीकम्युनिकेशन, उन पे लागू नहीं होता। उन पे भी अगर ये लागू हो जाए तो 2 मिनट में उनको समझ में आ जाए। उन पे ये नहीं है, मेयर सब्सिस्टेंस का फॉर्मूला मजदूरी करने वाले लोगों पर ही है, और भारत का 80% वर्ग मजदूरी वाला है, इसलिए आज भी भयंकर भुखमरी गरीबी का शिकार है। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि आप कितने भी प्रधानमंत्री बदल लो, अटल बिहारी वाजपेयी को ले आओ और उनसे भी अच्छा कोई है तो ले आओ, ये कानून और नियम जब तक चलते रहेंगे हिंदुस्तान की गरीबी दूर नहीं होने वाली, भुखमरी दूर होने वाली नहीं है। एक पंचवर्षीय योजना चलाओ या 50 पंचवर्षीय योजना, क्योंकि गरीबी भुखमरी के जड़ में ये है, कोई व्यक्ति नहीं है। हम लोग व्यक्तियों पे गुस्सा करते हैं, ये सरकार ने खराब कर दिया, वो सरकार ने, जब नियम कायदे कानून इस तरह के बने हुए हैं अंग्रेजों के जमाने के, तो सरकार कोई क्या करे। आज भी किसानों के मजदूरी को अनस्किल्ड लेबर कहा जाता है, वो इसी बेसिस पे कहा जाता है। तो जब तक ये नियम कायदे कानून नहीं बदलते, और जो खतरनाक नियम कायदे कानून आने जा रहे हैं उनको हम नहीं रोकते, तब हिंदुस्तान में यही दृश्य दिखने में आएगा। जैसे आजकल मैं छत्तीसगढ़ आता हूं तो सड़क पे 4 बड़े साइन बोर्ड लगे हैं कि गरीबी को अलविदा,
सरकार ने लगा रखे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार गरीबी को अनुदान कैसे 613 करोड़ रुपया गरीबी उन्मूलन योजना के तहत सरकार इस्तेमाल करने जा रही है। सालों से गरीबी उन्मूलन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को जो दिया जा रहा है, अगर वो सीधे बांट दिया जाता तो एक एक आदिवासी को 16 लाख रुपए मिल जाता, तो हर आदिवासी लखपति हो जाता छत्तीसगढ़। तो सरकार ने बोर्ड लगा रखा गरीबी उन्मूलन, गरीबी को अलविदा, क्योंकि हम 613 करोड़ बांट रहे हैं। अब बांटते रहो, व्यवस्थाएं ऐसी चल रही है, नियम ऐसे चल रहे हैं, लाभ किसी को नहीं मिलने वाला। तो किसानों की गरीबी तो नहीं दूर होगी, अधिकारियों की और नेताओं की दूर होगी। वही देश में 10 पंचवर्षीय योजनाओं से यही हो रहा है। बार बार कहते हैं ना गरीबी दूर नहीं हो रही है, गरीब दूर होते जा रहे हैं समाज से, वो इन कारण। नेक्स्ट, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट दस्तावेज है आपके बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए। बहुत इंग्लैंड से यहां बैंकें आई, सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड यहां आया भारत में। तो किया क्या उन्होंने, एक्सटेंसिव ब्रिटिश यूजोरियल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी की एक रिपोर्ट है, गवर्नर हॉबर्ट लिख रहा है। यूजोरियल क्या होता है प्रैक्टिसेस, यूजोरियल प्रैक्टिसेस का माने जबरदस्ती कर्जा देना, जबरदस्ती कोई लेना नहीं चाहता फिर भी देना, क्यों देना, ताकि ब्याज लिया जाए और ब्याज देते 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 खाली हो जाए तो उसकी सारी संपत्ति ले ली जाए। ये इन्होंने शुरू किया अंग्रेजों ने आके हिंदुस्तान, और उसके लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। बाद में वो इंपीरियल बैंक बनी और इंपीरियल बैंक ही आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजों का बनाया हुआ बैंक है, इंपीरियल बैंक था पहले, अब उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1947 के बाद कहने लगे। तो ये बैंक आया किस लिए, जबरदस्ती कर्ज देने के, ताकि आप कर्ज लें तो ब्याज बैंकों को दें, ब्याज से बैंकें चलती हैं। तो भारत में क्या होता था, कोई कर्ज लेता नहीं था, क्योंकि कर्ज लेना यहां बहुत तकलीफ की बात मानी जाती है। पुरानी परंपरा हिंदुस्तान में ऐसी है कि जो करना है बिना कर्ज के करो, कर्ज लेना है तो बहुत तकलीफ है, हर एक बुजुर्ग आपको यही कहेगा। तो भारतवासी कर्ज लेते नहीं थे, तो जबरदस्ती मार के पीट के उनको कर्ज दिया जाता। फिर ब्याज की दरें कैसी रखी जाती थी, तो ब्याज की दरें ऐसी हैं 85% ब्याज भरो, 100 रुपए कर्ज लिया 85 रुपया ब्याज में, 90 रुपए ब्याज में दो, 95 रुपए ब्याज में, और 40 साल तक तो 100 का 100 रुपए ब्याज में दो, और जबरदस्ती कर्ज लो और ब्याज नहीं भरो तो अपनी जमीन दे दो, उनको गहने दे दो, संपत्ति दे दो। ये पूरे देश में इन्होंने चलाया, उस पर से ये बैंकिंग सिस्टम आया। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें पूरी कहानी है और आगे मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट, इसमें एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। एक किसान को इन्होंने 100 रुपए कर्ज दिया, 100 रुपए, फिर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज अंग्रेजों ने शुरू किया भारत, पहले भारत में कभी चक्रवर्ती ब्याज नहीं होता है, चक्रवर्ती ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना बचपन, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो इसमें एक कहानी है, वॉरेन हेस्टिंग्स लिख रहा है उस कहानी को, कि हमने एक किसान को 100 रुपए कर्ज दिया, चक्रवर्ती ब्याज लगा के उससे हमने 75,000 रुपए ब्याज में ले लिया है, 100 रुपए कर्ज दिया, और अभी भी मूलधन उस पर बाकी है, 100 रुपए देके 75,000 ब्याज में ले लिया, अभी 100 रुपए मूलधन बाकी है। तो हम बहुत सफल है भारत में, ऐसा वो कह रहा है। ऐसे ही हम चलाते जाएंगे इस देश को तो ये देश हमारे कब्जे में ही रहने वाला है। माने हर तरह से लूटना, टैक्स लगा के लूटना, जबरदस्ती लूटना, कर्ज देके लूटना, जबरदस्ती कर्ज देना, कहीं से भी छोड़ना नहीं आपको, और लूट लूट के सब इंग्लैंड लेके जाना। नेक्स्ट, अब देखिए एक अंग्रेज अधिकारी है, विलियम बेंटिंक का नाम सुना,
जिसके बारे में हमारे इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ, बड़ा क्रांतिकारी था, समाज सेवी था, समाज शोधक था, उसने सती प्रथा का अंत करा दिया, अंग्रेजी शिक्षा, उसका असली रूप ये दस्तावेज बताता है। विलियम बेंटिंक खुद 1804 में जब गवर्नर है बंगाल का, तो वो इंग्लैंड को एक चिट्ठी लिख रहा, माने राजा, इंग्लैंड के राजा, उसमें लिख रहा है, वी हैव रोल्ड द कंट्री टू हार्ड, ग्रेट ऑपरेशन एक्सरसाइज रिजल्टिंग इन लेमेंटेबल पॉवर्टी, माने इस देश को इतना बुरी तरह से रौंदा है हमने, जिसका दुष्परिणाम हुआ है कि भयंकर गरीबी में भारत फंस गया। वो खुद कह रहा विलियम बेंटिंक, इतना बुरी तरह से रौंदा है इस देश को, लूटा है इतना बुरी तरह से कि आज उसका दुष्परिणाम है कि पूरा देश भयंकर भूखमरी में फंस गया है, जिसके बारे में हमारे इतिहास में बताया जाता, बड़ा महान, बड़ा क्रांतिकारी, उसने ऐसी लूट मचाई है, वो खुद कहता। और इतिहास की किताबों में बड़ा फोटो है विलियम बेंटिंक और राजा राममोहन रॉय, दोनों बड़े भारी दोस्त थे, और हमारे बच्चे बचपन में उसको रटते रहते हैं, रट के जाके इम्तहान में लिख के आते हैं, 100 में से 90 नंबर पाते हैं, अभी भी विलियम बेंटिंक को वो भूलते नहीं, जिसने कहा है कि हमने इतनी बुरी तरह से रौंद दिया इस देश को कि ये देश भयंकर भुखमरी और गरीबी में फंस गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये टैक्सेशन पर डिटेल बहस हुई है इंग्लैंड में 1813 में, क्या क्या टैक्स लगाए जाए भारत में, तो जमीन पर तो लगा दिया, जितना उत्पादन कर रहे हो पूरा दे दो, अब इंडस्ट्रीज पे कैसे टैक्स लगाए जाए, तो उसका डिटेल डिबेट है, जिसको मैं अक्सर भाषण में कहता हूं कि भारत का कोई भी व्यक्ति उत्पादन करता है तो एक्साइज ड्यूटी लगाओ, माल बेचता है तो सेल्स टैक्स लगाओ, बेच पर मुनाफा कमाता है तो इनकम टैक्स लगाओ, एक गांव से दूसरे गांव में लेकर जाता है तो टोल टैक्स लगाओ, रोड टैक्स लगाओ, हर तरफ से टैक्स लगाते जाओ, वो डिबेट यही वाली है। मुनरो कह रहा है, थॉमस मुनरो, कि कोई छोड़ो मत टैक्स, और टैक्स जितना ज्यादा लोगे हम उतने अमीर बनेंगे, भारत उतना गरीब बनेगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थॉमस मुनरो कह रहा है कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, जबरदस्ती टैक्स वसूलना, वो कह रहा है कि मेरी सबसे ज्यादा लाइकिंग क्या है, जबरदस्ती टैक्स ले, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो वो कह रहा है कि आप मुझे यही काम में लगाए रखो भारत, और वो कह रहा है कि लोगों से मुंह से टैक्स छीन लेना मुझे बहुत आनंद देता है, मुंह से टैक्स छीनने माने रोटी छीन लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, रैक रेंटिंग, अब देखो ये एक और इंटरेस्टिंग है, रैक रेंट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना यूजुरियल प्रैक्टिसेस, जबरदस्ती कर्ज देना, अभी ये रैक रेंटिंग क्या है, अंग्रेज हिंदुस्तान के राजाओं से उनके महल छीन लेते थे, उनके घर छीन लेते थे, घर छीनकर महल छीनकर किराए पे उठाते थे उन्हीं को जिनके वो होते थे। हाँ, आपके आपके घर में अंग्रेज घुस गए, आपको किराएदार बना दिया, घर के मालिक वो, अब आप घर में रहिए और किराया देते रहिए, और किराया कितना, जितने ब्याज है वैसे ही किराया, तो घर भी उनका हो गया, किराया भी उनको मिल रहा, इसको रैक रेंटिंग कहते थे, जबरदस्ती किराएदार बना के जबरदस्ती किराया वसूलना, तो मालिकों को किराएदार बना के रखना, ये उन्होंने किया इस देश, तो जमींदारों की हवेलियां छीन ली, राजाओं के महल छीन लिए, बड़े किसानों के घर छीन लिए, और उसमें उन्हीं को किराएदार बना के रख दिया, तो बेचारे उनके पास जितनी भी संपत्तियां थी वो किराए में चली गई सब, ये चलता था। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर एक इंटरेस्टिंग काम उन्होंने क्या किया, जो जमीन थी हमारे देश में किसानों के पास, वो जमीन को कॉमर्शियल यूज के लिए डिक्लेयर करके व्यापारी और उद्योगपति, जो अंग्रेज व्यापारी उद्योगपति थे, उनके हाथ में ट्रांसफर कर दिया, और उसमें से एक दलाल वर्ग पैदा हुआ इस देश में, जो जमीन नहीं रखता था लेकिन जमीन की मिल्कियत उसकी होती थी, वो दलाल वर्ग आज भी इस देश में है, अंग्रेजों के जाने के बाद ही आया है,
जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना, वो सब अंग्रेजों की औलाद है। ये बिल्डर लोगों के पास जमीन कहां से आई है? अंग्रेज लेके चले गए, फिर वो सनातन बन गया, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर। तो किसानों से जमीन लेना और कॉमर्शियल इंटरेस्ट वाले लोगों को देना, ये अंग्रेजों ने किया। तो पूरी सोसाइटी छिन्न भिन्न हो गई इस देश में। नेक्स्ट। अब देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, ये स्लाइड दिखा के ये विषय मैं यही खत्म करूंगा। 1/3 ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड हैज गॉन आउट ऑफ द कल्टीवेशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी ड्यू टू एक्सटॉर्शनेट गवर्नमेंट लैंड टैक्स। 1854 की रिपोर्ट है। 1854 तक पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी की एक तिहाई जमीन लोगों ने करना छोड़ दिया, भयंकर टैक्स होने के कारण 1854 में। और फिर 1910 में आते आते आधे से ज्यादा जमीन छोड़ दिया। वही जमीन मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि ये सब बंजर आज हमें दिखाई दे। करीब 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन आज है इस देश में जो बिना खेती के पड़ी हुई है सालों साल से, वो इन्हीं कानूनों के कारण। तो ऐसी तो लगभग 50,000 स्लाइड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको मैं नहीं दिखाना चाहता। मैंने आपको 25-30 दिखाई है ताकि आपको ख्याल आ जाए कि जब बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है किसी समाज से तो दुष्परिणाम क्या होता है। इसलिए वैट टैक्स का हम लोग जो विरोध कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जरूरत से ज्यादा टैक्स समाज से लेना देश के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं। सरकार के लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आज अगर हम इसको विरोध करके रोक लें तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा खतरनाक कानून आएंगे और फिर अंग्रेजियत वापस आ जाएगी। बस इतना ही फर्क है कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो सब किया गया था, अब काले अंग्रेज ही ये सब करेंगे इस देश में। आप पूछेंगे ये सब जानबूझ के कर रहे हैं क्या, समझबूझ के कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो इतना समझदार है, उनको ये सब नहीं समझता जो मुझे समझता है? या चिदंबरम जो इतना बड़ा कानून का विशेषज्ञ है, इतना बड़ा वकील है, उसको ये सब नहीं समझता जो हमें समझता है? उसको सब समझता है। फिर वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा इसका एक ही जवाब है कि जहांगीर को भी समझता था कि ये विदेशी आएंगे तो देश को लूट के ले जाएंगे, फिर भी जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा था मेरा फायदा था इसमें, मुझे टैक्स मिलने वाला था, तो मेरा फायदा होता है, मेरी पार्टी का फायदा होता है, इसके लिए हम ये सब करते जाएंगे। अब इनका फायदा क्या होता है? अगर वैट आएगा तो सारा का सारा फायदा होगा बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को। कैसे होगा? उन कंपनियों का उत्पादन और बिक्री एक ही चैनल में है पूरा, उनके यहां वैल्यू एडिशन नहीं होता है। जैसे बाटा कंपनी है ना, माल फैक्ट्री में बनता है और रिटेल शॉप में आके बिकता है, तो बीच में कहीं वैल्यू एडिशन नहीं होता। एक ही कंपनी का रिटेल शॉप है, उसी कंपनी की फैक्ट्री है, तो बाटा को सबसे ज्यादा लाभ है वैल्यू एडिड टैक्स से। तो बाटा माने विदेशी कंपनी, और ज्यादातर विदेशी कंपनियां अपनी दुकानें खोलने जा रही हैं इस देश में इस साल से, तो उनको ही सबसे ज्यादा लाभ है। और उनको लाभ है तो वो नेताओं को चंदा देने वाले हैं चुनाव लड़ने के लिए, और नेता उसी चंदे के लिए परेशान है। तो ज्यादा से ज्यादा इनको लाभ पहुंचाओ, फायदा पहुंचाओ, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, हमको मिले, हमारी पार्टी को मिले। और पार्टी इन्हीं के चंदों पर चलती है। कोई राजनीतिक पार्टी जनता से पैसा नहीं लेती आजकल अपने को चलाने के लिए, फिर भी एक एक पार्टी चुनाव में 2-2 हजार, 3-3 हजार करोड़ खर्च करती है, तो इन्हीं कंपनियों से लेते हैं। तो कंपनियों का बिजनेस जितना बढ़ेगा पार्टियों को उतना ज्यादा मिलेगा, पार्टियों को जितना मिलेगा सरकारें वही करने वाली हैं। इसलिए ये सब जोड़ तोड़ करके वैट का लाना, नए नए कानून बनाना हो रहा है। अब प्रश्न हमारे सामने है कि या तो हम इसका विरोध करें, नहीं तो थोड़े दिन के बाद वो हालत होने वाली है जो अंग्रेजों ने की थी इस देश में।
और गांधी जी कहते थे कि अगर गलत कानून का विरोध कोई समाज नहीं करता है तो उसको गुलाम होने के लिए हमेशा अभिशप्त रहना पड़ता है। ये गांधी जी का सेंटेंस। तो आज फिर गलत कानून बनने जा रहे हैं, अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो बार बार ऐसी गुलामी में फंसेंगे। तो हम पूरी ताकत लगाकर वैट का विरोध करें। कुल जमा निष्कर्ष ये है, क्योंकि ये बहुत खराब कानून है जो आ रहा है। अंग्रेजों ने जैसे जबरदस्ती टैक्स वसूले थे, वैसा ही ये नियम। और हम विरोध करें, व्यापारी विरोध करें, उद्योगपति विरोध करें, तो थोड़े दिन में क्या होगा, सरकार के सामने अगर भयंकर विरोध है तो फिर सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी और सरकार इसको वापस करेगी तो धीरे धीरे दूसरे कानून भी फिर वापस होंगे। और अगर ये लागू हो गया तो इससे भी ज्यादा खराब नए कानून आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से वैट के विरोध में अभियान चलाया। उत्तर भारत में काफी सफल ये कि जितना अभियान चलाया उसका परिणाम ये है कि उत्तर भारत में वैट नहीं आया, उत्तर प्रदेश में नहीं है वैट, और उत्तर प्रदेश को देख के फिर तमिलनाडु में नहीं, और ऐसे 12 राज्यों में नहीं है। तो बाकी राज्यों में भी ये अभियान चलेगा तो ये वापस हो सकता है। असंभव मैंने आपसे कहा, दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर ये सरल सरल बातें, सीधी सीधी बातें व्यापारियों को समझा दी जाए, वही इतना जबरदस्त आंदोलन कर लेंगे कि सरकार की तकलीफ हो जाए। कल मैं धमधा गया था तो धमधा में सभा थी व्यापारियों की, तो व्यापारियों ने सुनने के बाद ये कहा कि राजीव भाई आप अगर 1 अप्रैल के पहले आ जाते तो हम धमधा वाले भी पूरा बंद करते, हमने नहीं किया था। वो खुद बता रहे थे कि 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद था, हमने धमधा बंद नहीं किया, हमें मालूम ही नहीं बैठ क्या है और इससे हमारा क्या नुकसान है। किसी ने हमें समझाया नहीं, किसी ने आके बताया नहीं। कल उनके बीच जब मैंने व्याख्यान किया तो उन्होंने कहा ये इतना खराब है, अगर हमको मालूम होता तो हम तो 1 अप्रैल को सब बंद करते और दूसरों से भी करवाते। माने अधिकांश व्यापारियों को मालूम नहीं है वैट कितना खराब है, और व्यापारी तो छोड़ दो, जिस ग्राहक पे लगने जा रहा है उसको नहीं मालूम है वैट कितना खराब। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें, उनको समझा सकें, इस दृष्टि से फिर एक अभियान की जरूरत है। जैसे सवेरे मैंने कहा ना किसानों के बीच एक अभियान की, वैसे ये एक अभियान व्यापारियों के बीच, उद्योगपतियों के बीच, उपभोक्ताओं के बीच चलाने की। अब इसमें क्या है कि ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं ये सब सीडी में उपलब्ध है, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो ये सब सीडी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और सीडी हम बना रहे हैं, वो वैट के ही बारे में है, वैट का एक एक प्रोविजन, जैसे इसमें लिखा है ना वैट का क्या है प्रोविजन, क्या उसका दुष्परिणाम है, वो हम बना रहे हैं। 2-3 दिन में वो भी मिल जाएगी, उस पर किताब भी लिख रहे हैं, वो भी मिल जाएगी। हमें क्या करना है, उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता लानी है वैट के विरोध में और गैट के, तब शायद थोड़े दिन में पूरे देश में अगर जागृति आई तो कोई सरकार में दम नहीं है। सरकार तभी लागू कर पाती है ये सब जब लोगों को पता नहीं रहता और देर हो जाए फिर विरोध करने का आधार नहीं रहता। जब ही ताजा ताजा है आप विरोध करो तो वापस लेना पड़ता है। हाँ, देखिए हरियाणा में क्या हुआ था, 2 साल पहले उन्होंने वैट लगाया, सबसे पहला मुख्यमंत्री चौटाला जिसने वैट लगाया। 2 साल में जनता इतनी परेशान हो गई, व्यापारी इतने हैरान परेशान हो गए कि उन्होंने तय कर लिया कि चौटाला को हराना। तो चौटाला 2/3 बहुमत से चीफ मिनिस्टर बना था, आज ये हालत है कि उसके पास 9 सीट भी नहीं है, 10% सीट भी नहीं है, जिसके पास 2/3 बहुमत था। 2/3 बहुमत का मतलब समझते हैं, 70% से ज्यादा सीट, अब 10% भी नहीं। खुद वो हार गया एक जगह से और दूसरी जगह से खड़ा था, वहां बेईमानी करके 1500 वोटों से जीता किसी तरह, वरना लोगों ने उसको सबक सिखा दिया। तो चौटाला जो इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर बैट लाया वो अभी सड़क पर है। ऐसे ही दिग्विजय सिंह जिसने बैट का कानून पास किया मध्य प्रदेश में, वो भी सड़क पर है आज। चंद्रबाबू नायडू जिसने वैट के समर्थन में यात्रा निकाली थी आंध्र प्रदेश में, वो भी हार गया। माने जनता ने हर उस नेता को हराया है जो वैट के समर्थन में है। तो आप क्या करें, आप इतना ही करें कि आपके मुख्यमंत्री को 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखें और उनको कहें कि आप अगर वैट लाए छत्तीसगढ़ में तो चौटाला का ध्यान रखिए, चंद्रबाबू नायडू का ध्यान रखिए। मैंने तो किया, मैंने तो 3 बड़ी सभाएं वैट के बारे में किया, रायपुर में किया, धमतरी में किया, धमतरी में।
कार्ड के लिए भी मैंने हर जगह कहा है, कार्ड चालू भी हो गया, धमतरी में तो चालू हो गया कार्ड लिखना। आप भी लिखिए 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री को लिखिए कि हम बैठ नहीं चाहते, और अगर आपने लाया तो चौटाला का ध्यान रखिए। हाँ, हर एक मुख्यमंत्री को एक ही चीज से डर लगता है, कुर्सी गई, सत्ता निकली हाथ से, तो एक ही चीज से डरता बाकी के सीजन है। तो आप अच्छी इतनी चिट्ठी लिख दें, 10-12 हजार चिट्ठी पहुंच जाए रायपुर में, उतनी सफिशियंट है ये बताने के लिए कि छत्तीसगढ़ की जनता बैठ नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो इतना आप जानते ना, दादा है, गुंडा है बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव का तो आप सोच रहे, वो तो बिल्कुल गुंडा आदमी, और उसने बोल दिया था कि मैं तो वैट लागू करके मानूंगा, और उसने वैट लागू करने का जो कैलकुलेशन किया वो दूसरा था। उसने सोचा मैं वैट लागू करूंगा, सोनिया गांधी खुश हो जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी लागू करवा रही है दिल्ली से, तो सोनिया गांधी खुश हो जाएगी तो मेरी सरकार चलती रहेगी, कांग्रेस मुझे तकलीफ नहीं करेगी उत्तर प्रदेश। इसलिए आज विरोध इतना हो गया है उत्तर प्रदेश में कि मुलायम सिंह को कहना पड़ा कि जब तक व्यापारी हानि करेंगे तब तक मैं वैट नहीं लाऊंगा। और मुलायम सिंह ने कहा तो फिर मायावती ने कहा, मायावती उसके अपोजिशन में, उसने भी कहा कि मेरी भी सरकार आएगी तो वैट नहीं लाएगी, वैट तभी आएगा जब व्यापारी हाँ करेंगे। तो यही अगर पूरे देश में हो जाए तो अच्छा है। और व्यापारी हाँ किस पर करें, व्यापारी कहें कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करो तो वैट लाओ, और मैक्सिमम टैक्स रेट 6% करो, और सिंगल पॉइंट टैक्स करो, 3 डिमांड आप रख दो तो देश में बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो जाए तो हर वस्तु आज जिस कीमत पे मिल रही है उसकी 50% सस्ती हो जाएगी, 10 रुपए की चीज 5 रुपए में, 5 रुपए की 2.5 रुपए में, 2.5 रुपए वाली 1 रुपए में, क्योंकि टोटल टैक्स हिंदुस्तान में 64% के आसपास बैठता है आज। अगर हम इसको खत्म करा लें और एक सिंगल पॉइंट वैट करा लें, बहुत सस्ती हो जाएंगी सब चीजें, और महंगाई कम हुई तो गरीब से गरीब आदमी आसानी से जिंदा रह सकेगा, आराम से जिंदा रह सकेगा। तो ये एक अच्छा मौका है जब हम पूरे देश में ये बहस चला सकते हैं, और ये बहस चलाने में आप सब लोग कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं। इतना ही करें कि सबको ये बताएं, है सिंगल पॉइंट टैक्स होना चाहिए, दूसरा अधिक से अधिक टैक्स की दर 6% होनी चाहिए, और तीसरा सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होने चाहिए, टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म होने चाहिए, एक ही टैक्स होना चाहिए वैट, 6%। और एक और कर सके तो करिए कि वैट देने वाले व्यापारी कर्मचारी का पूरा टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, कस्टोडियन के रूप में सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, मालिक नहीं है उसकी, व्यापारी को किसी दिन तकलीफ आई, संकट आया तो टोटल टैक्स उसको वापस मिले ताकि वो नया व्यापार शुरू कर सके, जो सभी यूरोप के देश में है वो यहां भी होना चाहिए। तो फिर ये देश में आप देखिए, यही देश सोने की चिड़िया हो सकता है, बस इतना परिवर्तन होने से। इसमें नुकसान क्या होगा, सरकार के पास टैक्स कम जाएगा तो अच्छा ही है, वो समाज में पैसा ज्यादा रहना चाहिए, सरकार के पास कम रहना चाहिए, सरकार के पास जितना कम पैसा जाए उतना समाज के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, वैसे ही आप टैक्स दे रहे हैं तो आपका जमा है पैसा, जरूरत पड़े तो आप निकाल सकें, सरकार आपके जमा पैसे को इस्तेमाल करे और उस पर ब्याज दे आपको, इंश्योरेंस पे करे, ये है। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए। इन्होंने एक सवाल पूछा फिर आप। हाँ, सरकार कस्टोडियन है तो सरकार जब कस्टोडियन है तो उस पैसे का इस्तेमाल करती है देश के विकास में ब्याज के बदले। आपने जो पैसा जमा कर दिया सरकार उसको लेगी और उसमें आपको ब्याज देगी, जब आपको जरूरत पड़े पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सभी यूरोप के देशों। सरकार माने टैक्स की मालिक नहीं है,
मूल बात यह है, मालिक वही है जो दे रहा है, उसने सरकार के पास रखने को दिया है ताकि सरकार इसका इस्तेमाल कर सके। हाँ हाँ करिए ना, इस पर बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है पूरे देश में, सारा व्यापारी समाज आपके साथ आ सकता है, औद्योगिक समाज आपके साथ आ सकता है, करिए इस पर जबरदस्त मूवमेंट हो सकता है। नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ में होगा, आज अगर आप विरोध करेंगे तो लागू नहीं होगा। हाँ जरूर जरूर। अच्छा हाँ इनका एक प्रश्न है, 1947 में एक रुपया एक डॉलर था, आज एक डॉलर में 45, 43, 44 रुपए कुछ पैसे है, कैसे हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत कर्ज मुक्त देश था, बिना कर्ज के देश था भारत, एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। तो जब किसी देश पे कर्ज नहीं होता है तो उसकी करेंसी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। फिर हमने कर्ज लेना शुरू किया 1952 में, 1957 में, 1962 में, तो कर्ज बढ़ते बढ़ते आज इतना हो गया है कि कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो इस कर्ज के चक्कर में हमारी करेंसी की कीमत गिर गई और आज हमारा 44 रुपया एक डॉलर हो गया है। अगर हमने कर्ज नहीं लिया होता तो आज भी एक रुपया एक डॉलर ही होता, और अगर एक रुपया एक डॉलर होता तो क्या होता? तो पेट्रोल हिंदुस्तान में 70 पैसे लीटर होता, डीजल 35 पैसे लीटर होता, रसोई गैस का सिलेंडर 10-12 रुपए में मिलता, अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस आना 300 रुपए में हो जाता। पूरे भारत का चक्कर लगाना हो तो ज्यादा से ज्यादा 100-125 रुपए खर्च होता। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुश्किल से 500 रुपए का खर्चा होता 5 साल में, डॉक्टर बनने के लिए 700-800 रुपए का खर्चा होता। आप सोच सकते हैं ये सब होता अगर हमने कर्ज नहीं लिया होता, एक डॉलर एक रुपया होता। जो पहला मनाया एक था बिल्कुल सही बात है। इनका ये प्रश्न है कि जब अंग्रेजों से भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो ये सब कानून रद्द कर देने चाहिए थे। हाँ वही नहीं किया इस देश, एक भी कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ भारत में आज तक रद्द नहीं हुआ। गांधी जी इसी पे नाराज थे, गांधी जी ये कहते थे कि अंग्रेजों को रहना हो तो भारत में रहें, लेकिन अंग्रेजियत समाप्त होनी चाहिए। अंग्रेजियत का माने यह है कानून व्यवस्था जो अंग्रेजों की बनाई हुई है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि गांधी जी को मार दिया और अंग्रेजों को भगा दिया और अंग्रेजियत को रख लिया। यही तीन बातें गांधी जी की, यही थी यही तीन बात। तो पढ़ा था मैं उसके बारे में, तो उसका पीए था प्यारे लाल, 30 जनवरी तक खोलने वाला था ये बात, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे किसी भी कानून का किसी भी व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते। आज हम जो है अलग अलग व्यवस्थाओं पे, मैं जाति पे, बोलचाल पे, धर्म पे, हम जो है एक दूसरे को व्यवस्था करते रहते हैं, जब तक हमारे में एकजुटता नहीं आएगी, व्यापारी हो चाहे किसान हो, चाहे किसान हो चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो चाहे जो भी हो, एकजुटता नहीं आएगी, धर्म से बातों का विरोध नहीं कर सकते। हमें एकजुटता आएगी अगर हम कोई एक काम ऐसा करें जो सब करें, कोई एक काम हम तय करें, जो आप भी करो, मैं भी करूं, किसान भी करे, मजदूर भी करे, सब करें, तो एकजुटता आ जाएगी। तो एक काम कोई तय कर ले, मान लें वैट का विरोध है, ये सब करें तो एकजुटता आ जाएगी, या WTO का विरोध सब करें तो एकजुटता आ जाएगी। भारत के लोगों में एकजुटता जो आती है वो काम के आधार पर आती है। जैसे आजादी की लड़ाई, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बहुत सारे संगठन थे, लेकिन सब एकजुट थे कि आजादी चाहिए, अंग्रेज हमें नहीं चाहिए।
तो उसमें नरम दल भी था, गरम दल भी था, मध्य मार्गी भी थे, सब मार्गी थे, और अंत में एक चीज पर सहमत थे कि अंग्रेज नहीं चाहिए, जाने चाहिए यहां से, तो अंग्रेज चले गए। ऐसे ही बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं एक बात पे एकजुट हो जाएं कि वेल्ट नहीं चाहिए, या गेट नहीं चाहिए, या WTO नहीं चाहिए, तो एकजुटता आ जाए। इनको जरा संविधान जो बनाया है वो आज भी संशोधन हो सकता है। हाँ, इसमें सब हो सकता है, करना चाहिए नेताओं को। हाँ, करना चाहिए, लेकिन करा नहीं ना, करना चाहिए। आप जैसे मेरे जैसे लोग अगर दबाव डालेंगे तब करेंगे। पब्लिक तो जानती नहीं है। नहीं, पब्लिक नहीं जानती। अगर गांव में, अगर मैं आपकी बात बताऊं, एक को टैक्सी पर बात पियो तो क्या बोलता है वो, राजी दीक्षित कहते हैं कहने दो बोलता है, और मेरे को उल्टा बुलाता है, मैं नहीं बुलाता। तो मैं चाहता हूँ कि आपको प्रोग्राम टीवी रेडियो में आना चाहिए, जिससे दूसरा प्रोग्राम है उसी तरह आपका ही प्रोग्राम है। कम से कम आधा घंटा को आदमी सुने आपकी बात तो लगे गले उसे कि क्या होता है। वो तो मालूम, आप बता रहे, हम समझ गए। इसको हम गांव में जाकर अपने दोस्तों को बताएंगे तो नहीं समझेगा। नहीं, इसमें ऐसा ही है, ये जो आप कहते हैं बताओगे ना तो आदमी को धीरे 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 कुछ बात समझ में आएगी। और संस्कार, संस्कार, चल तो संस्कार में दिखाया जाए ये सब आस्था की। दूरदर्शन में भी आएगा, देखेंगे आदमी अगर ऐसा टाइम फिक्स करे, आराम टाइम 8:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे, आधा घंटे भी प्रोग्राम होगा। रेडियो का कार्यक्रम है, आदमी सवेरे सुबह, कृषि वाले क्या सवेरे 8 बजे खेत जाते हैं, तो अगर 7 बजे भी आ गए ना घर काम के तो सुन सकते हैं, या शाम को 7 बजे, 7:30 बजे। तो आदमी को सबसे बड़ी जानकारी के अभाव, मेरी सब जानकारी के अभाव है। तो जब तक आदमी जानेगा नहीं, अभी मैं मेरे गाँव में वैक के बारे में पूछा, कई आदमी को शिक्षक को, कई आदमी को, बड़े बड़े आदमी को पूछा, तो बोलता मुझे पूछा क्या है वैट, मैं बताया उसके बारे में। वैट एक गाइड करार के अंतर्गत है जो टैक्स लगने वाला है, अतिरिक्त टैक्स अपने ऊपर, तो वो बात कुछ उसकी समझ में पड़ी। इनका बस, इनका मैं एक ही है, इनका एक सुझाव है कि ज्ञान नहीं है लोगों को, जानकारी का अभाव है। अगर जानकारी ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो ये हो सकता है, तो ये मुख्य है। ये आप सब इससे सहमत हैं, है ना। अब इसका रास्ता निकाले हम, क्या रास्ता हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी कराने का एक रास्ता इन्होंने बताया कि टीवी चैनल पे ये बताया जाए, विचार क्रांति चैनल, विचार क्रांति चैनल शुरू किया जाए। तो एक टीवी चैनल शुरू करें अपना, आपका कार्यक्रम टीवी रेडियो में आना चाहिए, साल भर कंटिन्यू आपका कार्यक्रम आ गया, देखो आदमी क्या होता है, आदमी निकल जाएगा जी बाहर सीधा, माने हम गंभीरता से इस दिशा में सोचें कि एक टीवी चैनल शुरू किया जाए। हाँ, चैनल शुरू किस काम के लिए। हाँ, ठीक है। कितने दिन रहेगा आपको प्रोग्राम, 7 बजे का प्रोग्राम, तो उसमें क्या क्या कितने दिन देखेगा वो प्रोग्राम, मजबूरी में देखना पड़ेगा। और कितने दिन ही समझेगा, 5 दिन समझे, 10 दिन समझ में आ जाएगा। नहीं, बहुत तो नहीं चाहिए, 1.5 करोड़ रुपए से टीवी चैनल शुरू हो जाता है, और हर साल 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। 1.5 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और हर साल के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा है। यहाँ से और दूसरे रास्ते हैं, बहुत सारी स्वदेशी कंपनियों से विज्ञापन लिए जा सकते हैं। जो कार्यकर्ता हम सब लीजिए, नहीं तो एक दूसरा रास्ता है कि एक एक किसान से 1-1 रुपया लें, ठीक है, तो 10 लाख किसान हर रोटेशन में इकट्ठा करके दें, तो चैनल चलता रहे, तो 5-7 साल तो चल ही जाएगा। इतने किसान तो है, 1 रुपया तो दे ही देंगे। 5 साल कार्यक्रम चलेगा, देश दुनिया का पूरा नेता चले जाएंगे, चले जाएंगे। इनका बहुत आत्मविश्वास है। तो ऐसा कुछ आप हमारे छत्तीसगढ़ में एक काम करा था, तो हमारे
ये तो सुझाव था आपका कि आप जैसे आप इस बात की बोल रहे हैं कि भारत अभी सोशल मीडिया बन सकती है और एम जो हमारे नेताओं और सोशल डिवाइस के माध्यम से जो हमारे सिस्टम में जो रखा हुआ है पूंजी है भारतीय पूंजी है उसको हम लोग ऐसे संपत्ति घोषित करने के लिए जो हम दोनों सोशल में हम लोग ऐसे करना पड़ेगा हम लोगों ने बात करना पड़ेगा इसको अभी तक कोई किसी जगह से पहले हुआ इसके लिए हम लोग कोई शरण नहीं मेरा तो मानना है कि देश को कोई भी एक मोमेंट हो गया कुछ देश का आपने कुछ जितनी एक मोमेंट ही हो तो हम लोग इस सीजन को रहने वाले भारतीय नेता भारतीय देश अधिकारियों का जो होती है राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए हमें कोना लगा रहा है जिस तरह से वो हो जाए तो कितनी पूंजी हमारे पास जितना हमारे विदेशी कर रहे हैं आज खड़ा समाप्त हो जाए उसके लिए भी एक अलग से उस पर्टिकुलर उस मोमेंट को बनाना चाहिए पर देश में उसके लिए सफलता तो आप लोगों का पता चले अभी तो जो स्विस बैंक का है ना उसके साथ इसको भी जोड़ दिया जाए कि ये अंग्रेज जितना लूट के ले गए वो भी वापस लाया जाए और अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसियों ने जितना लूटा है उनसे पहले पुर्तगालियों ने जितना लूटा है और जो धन उनके यहाँ आज भी पड़ा हुआ है जैसे मैंने बताया ना टीपू सुल्तान की तलवार ये भी अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो ये धन बहुत है इसमें बाकी बात करें तो पहले की बात नहीं मानसून है इसको नहीं करना मेरा एक मतलब है लोग सीमेंट के मामले को लेकर के बहुत है दबाव है तो शायद तकलीफ है और उसके लिए हम लोग सारे के सारे लोग एक बार करना है हम करेंगे जो भी आप उसका करेंगे सुनाने के लिए अगर आप ये है इसको हम जरूर आप ठीक इनको माइक दे दो मेरा प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कृषि भूमि का रेट काफी कम है जैसे 30,000 रुपए प्रति और यही जमीन हरियाणा में लाखों रुपए वहाँ के किसान यहाँ आते हैं वहाँ की जमीन बेचते हैं और यहाँ 100 एकड़ एक साथ खरीद के प्लाट बनाते हैं छोटे छोटे किसानों से जो छोटे छोटे किसान है चारों कोने का लेंगे भी वाला किसान मजबूर हो जाए ऐसे में तो जितनी भी भूमि है हरियाणा वाले को जाएगी तो ऐसे में यहाँ के किसान क्या करें देखिए ये सवाल बहुत महत्व का है इनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ की जमीन की कीमत बहुत कम है हरियाणा से कुछ लोग आते हैं और यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन एक साथ खरीद रहे हैं तो यहाँ के किसानों का क्या होगा अभी तक तो ये समस्या हरियाणा की है अभी अगले साल से तो छत्तीसगढ़ में विदेशी कंपनियां आके सीधे जमीन खरीदने वाली है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो लैंड सीलिंग एक्ट है वो अभी खत्म होने जा रहा है सभी राज्यों के लैंड सीलिंग एक्ट खत्म होने जा रहे हैं पहले क्या होता था लैंड सीलिंग कानून के चलते शहर वाला गांव की जमीन एक लिमिट से ज्यादा नहीं खरीद सकता और कई राज्यों में तो खरीद ही नहीं सकता अब सरकारों ने लैंड सीलिंग के कानून खत्म करने शुरू कर दिए और अगले साल से तो विदेशी कंपनियों को अधिकार मिलने वाला है वो चाहे जितनी जमीन खरीदे इसलिए इस पर तो बहुत गंभीर आंदोलन और जागृति की जरूरत है ये सिर्फ हरियाणा का सवाल नहीं है
ये पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन विदेशियों के हाथ में भी जा सकती है, इसका भी डर है। हरियाणा वाले तो चलो अपने ही देश के नागरिक हैं, लेकिन अब विदेशी आकर जमीन लेंगे तब क्या होगा। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में इन प्रश्नों पर जागृति होनी चाहिए, और जागृति होने के लिए आप जैसे लोग, मैं तो साल में एक बार आता, ज्यादा से ज्यादा दो बार आ सकता हूँ, इससे ज्यादा आना मेरे लिए मुश्किल है। आप लोग अगर इन सब विषयों पर थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लें, अभ्यास कर लें, तो आप पूरे साल घूम सकते हैं छत्तीसगढ़ में और इन प्रश्नों पे जागृति पैदा कर सकते। और हम ही करेंगे तो होगा, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। जिसको छत्तीसगढ़ से प्रेम है, जो छत्तीसगढ़ में रहता है, वही ये सब करेगा। मेरे जैसे लोग तो आपको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। तो आपको ये वर्कशॉप में बुलाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप तैयार हो ये सब विषय, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे गांव गांव जाके आप समझा सकें सब। अब आप कहेंगे ये दस्तावेज हमें दे दो, तो ये मैं दे सकता हूँ, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है, आपको ये सीडी में डाल के मैं आपको दे देता हूँ, आप गांव गांव में जाइए, इसको एक्सप्लेन करिए, इसका हिंदी करना हो तो वो भी करवा दूंगा, वो भी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। लेकिन हम करने का संकल्प करें, गांव गांव जाएं, गली गली जाएं, इन प्रश्नों पे बात करें, भले 10 किसानों से करें, 15 किसानों से करें, 20 किसानों से करें, और इस पर जागृति जब निर्माण होगी तो संगठन बनेगा, फिर उस ताकत से आप ये कर पाएंगे। इसके बारे में और जानकारी, बहुत जानकारी मिलेगी। लैंड सीलिंग एक्ट का जो नया प्रपोजल आ रहा है वो आप पढ़ लो, यहाँ विधानसभा में आया हुआ होगा, निकलवा लो। और यहाँ का जो होता है ना पब्लिकेशन डिवीजन होगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, हाँ, तो वहां से सब पता चल जाएगा। अधिकारी वो देना नहीं चाहते, देंगे। अभी तो हर सूचना आपका मौलिक अधिकार है, अब तो कोई भी सूचना वो छुपा नहीं सकते आपसे। सूचना का अधिकार शायद यहाँ हो गया होगा, नहीं भी नहीं है, है ना, है ना, हाँ है। कुछ फीस जमा करनी पड़ती है, सभी एक्ट की कॉपी मिल सकती है, सभी जानकारी मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका कार्यक्रम टीवी रेडियो माना चाहिए, तो सबसे ज्यादा बेहतर है, बहुत जरूरी, ठीक। उसमें जितना जागृति आ गया ये सब लगाने का पक्ष, उसमें ज्यादा जागृति आए, ठीक। पब्लिक में अभी क्या, कई लोग जानते नहीं आपका नाम, नहीं जानते, ज्ञान नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ बारे में, तो मेरी बात सुनता नहीं, तू कौन है बोल रहा है, तू कौन है बोल रहा है, ये बात मतलब वही। हाँ, ये हिंद स्वराज अभियान क्या है? हिंद स्वराज अभियान का माने, जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय से चली आ रही कानून व्यवस्था, नियम व्यवस्था है, ये बदलना, और जो नई गुलामी आई है WTO की, GATT की, VAT की, उसको हटाना, इन सबके लिए जो अभियान है उसका नाम है हिंद स्वराज अभियान। और ये साल से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक तो हम क्या था, जन जागृति करते थे, अब जन जागृति करके कुछ कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की मदद से हिंद स्वराज अभियान शुरू कर रहे हैं, जैसे कभी गांधी जी ने किया था 1930। और इसका मूल उद्देश्य है कि अंग्रेजियत के सब नियम कायदे कानून उनको बदल उठाना, और जो नई गुलामी आ रही है WTO है, इसको रद्द करवाना, इसको हटाना, इसके लिए हिंद स्वराज अभियान। यही हो जाएगा, हाँ, जब ये अभियान चलेगा धीरे धीरे, ये बहुत ताकतवर होगा, इसमें बहुत सारे दूसरे संगठन जुड़ेंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता आएंगे, तो थोड़े दिन के बाद यही नाम पड़ जाएगा। जैसे आपने ऐसे देखा ना, कांग्रेस नाम की एक संस्था बनी, उसने आजादी आंदोलन चलाया, लेकिन जैसे जैसे आजादी आंदोलन बढ़ता गया कांग्रेस छोटी होती गई, और एक दिन आजादी का आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, कांग्रेस छोटी सी एक संस्था बनके रह गई, उसमें दूसरी भी बहुत सारी संस्थाएं। वैसे ही ये हिंद स्वराज अभियान एक बड़ा अभियान बनेगा, इसमें बहुत सारे संगठन शामिल हो जाएंगे, जैसे आजादी बचाओ आंदोलन एक संगठन है, जैसे व्यापारी महासंघ एक संगठन है, वैसे सुनार लोगों का एक संगठन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे संगठन इसमें आ जाएंगे, तो ये अभियान बड़ा हो जाएगा।
इसलिए ये हिंद स्वराज अभियान शुरू, संगठन मिलकर ये चलाएंगे। अभी तो तुम्हारे सुनार जो गिरी का काम करने वाले उनके ऊपर आफत आने वाली है, हॉलमार्क, हॉलमार्क का नाम सुना? उसमें ये बबलूओं की ही कंडीशन है, वो भी हॉलमार्क। हरेक सुनारी का काम करने वाले कारीगरों को अपने गहनों पर हॉलमार्क लगाना कंपलसरी होगा, और हॉलमार्क के लिए 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 350 रुपए प्रति गहना अलग से फीस, चाहे छोटा सुनार हो चाहे बड़ा सुनार। और जितने गहने आप बेच रहे हैं उसका 50% हॉलमार्क होना ही चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान का लाइसेंस रद्द, आपके खिलाफ जब्ती का वारंट, ये सब वहां आने वाला है। जैसे वैट का है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक ही आने वाला है हॉलमार्क। एक एक करके ऐसे खराब खराब कानून आने जा रहे हैं इस देश में। हॉलमार्क होने की संभावना इसी साल में पूरे के पूरे देश में। और हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन देने वाली भारत में अभी तक 2 ही संस्थाएं हैं, और 1 करोड़ कारीगर हैं जो सुनारी का काम करते हैं। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, ये दोनों संस्थाएं रोज 12 घंटे काम करें और 12 घंटे में रोज 100 कारीगरों को सर्टिफिकेट मिले, तो 1 करोड़ को मिलने में इतने साल लग जाएंगे कि हिंदुस्तान तब तक कितनी बार पनिशमेंट पा चुका होगा हॉलमार्क। तो बड़ा मुश्किल है। इसका अभी विरोध बड़े बड़े सुनारों ने शुरू किया। नागपुर में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी सुनारों की, मैं उसमें गया था, पुणे में हुई थी, फिर अभी दिल्ली में हुई, तो उनको तो अभी मालूम हो गया है, लेकिन छोटे छोटों को मालूम नहीं। 8,000 करोड़ रुपए का हॉलमार्क होगा, जरूर होगा, और इसका सारा पैसा विदेशियों के हाथ में जाएगा। आप जो 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का देंगे वो उस संस्था के पास जाएगा जो ये सर्टिफिकेट देगी, और वो सब विदेशी संस्थाएं। और 1 करोड़ सुनारों से 20,000 रुपए लिया तो सोचो कितना हुआ, 20,000 करोड़ ऐसे लूट के ले जाएंगे। और हॉलमार्क माने ऐसा ही, जैसे ISO 9002 सर्टिफिकेट होता है ना, ISO 9001, ISO 9002, ऐसे ही हॉलमार्क। ये हॉलमार्क की किताब अभी आ गई है, इस पे कैसेट भी है, 2 घंटे की एक कैसेट मैंने बनाई है, वो सुनारों को सुनाओ, छत्तीसगढ़ के सुनार संघ वाले लोगों को इकट्ठा करो इस विषय में। अब जैसे जैसे ये सब पे मार पड़ेगी ना, सब इकट्ठे होंगे, अपने आप संगठन बनेगा। हाँ, जब सबके ऊपर आफत आती है तो इकट्ठे होते ही है ना, आग लगती है तो मोहल्ला पूरा इकट्ठा होता है कि नहीं, वैसे सब अपने अपने घर में सोते हैं, आग लग जाए तो सब इकट्ठे होते हैं, वैसे ही अब होगा। ब्रेक करें थोड़ी देर, बहुत भारी हो गया ना, भारी हो गया। ये सब जो है ना बहुत जटिल विषय है, नीरस विषय है। आप तय कर लो कितनी देर का ब्रेक है। नहीं नहीं, आधा घंटा है, आधा घंटे 45 मिनट में फिर इकट्ठे हो। नियम जारी जिस पर आजादी में अपना एक तरह विचार रहता है।
और उसे आंदोलन द्वारा एक गति देने का प्रयास कर रहा है, उन विषयों को हम फिर से लेंगे और इसमें पेटीएम का भी शामिल होगा और जो आजादी का आंदोलन के समाज मुद्दे हैं जिस पर लेकर जिन समाज मुद्दों को लेकर 15 वर्ष से यह आंदोलन जारी है उन मुद्दों को लेकर सार्वजनिक देते हैं हम फिर बैठेंगे और एक आप सभा में जिस तरह की समाज आज की जितनी कार्रवाई हुई उसको सम्मानित करते हुए एक सभा के साथ यह आज की प्रथम दिन की कार्यशाला संपन्न होगी। हम 45 मिनट बाद लगभग 6:30 बजे फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक जिसमें आप रेस्टोरेंट चाय वगैरह के लिए आप जा सकते हैं और आप सभी से आग्रह है कि 6:30 बजे के समय में अवश्य उपस्थित हो क्योंकि उनमें छोटे छोटे मुद्दे जिस पे आप सभी लोग इंटरेस्ट रहता है सभी लोग उसको सुनना चाहते हैं जो आजादी बचाओ आंदोलन के इतने 15 वर्षों के इस आंदोलन के प्रमुख मुद्दे रहे हैं उनको मुद्दों को सुनने के लिए आप जरूर उपस्थित होंगे 6:30 बजे। इसलिए सिक्योरिटी वगैरह ले लिया छोटे से छोटे से लेकर बड़े गांव से लेकर केंद्र तक इसमें क्या कर रहे हैं बहुत सारे संगठनों को जोड़ रहे हैं। आजादी बचाओ आंदोलन जैसे 60-70 संगठनों को इसमें शामिल कर सभी समाज के सभी वर्ग जिनको ये सब नियम कायदे कानूनों से तकलीफ